हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर एस के सिंह आई हैव डन माय एमबीबीएस हैलाना आजाद मेडिकल कॉलेज आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो मैं कराऊंगा वो उसी से क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे तो मेरे साथ दो घंटा पंद्रह मिनट अगर आप मेरे साथ दे देंगे तो डाइजेशन से लेके एंडोक्राइन सिस्टम आपका होगा और आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे ये मेरा दावा है पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं तो इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये जो रेड कलर का बटन है इसे दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप भी डॉक्टर बन सकें और बेहतर कंटेंट आप तक पहुँच सके जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करूँगा जो भी मेरे नोट्स हैं आपको टेलीग्राम के ऊपर मुहैया करा दिए जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप है जो आपको जुड़ जाना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन फिजोलॉजी तो स्टार्ट विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स इन सोलेबल सब्सेंस इंटू द स्मॉल सिंपल सोलेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन मतलब जो बड़े सब्सटेंस है इनसोलेबल सब्सटेंस है उसे छोटे सब्सटेंस में अगर कन्वर्ट कर दें उसी को हम डाइजेशन कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंजाइम का होना बहुत जरूरी है देर इज अ टू टाइप ऑफ डाइजेशन वन इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फूड वैक्यूज इज फॉर्म इन साइड द सेल सो द डाइजेशन अकर बाय द लाइजोजोमल इंसाइन और इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है उसी से खाना अंदर आएगा उसी से खाना बाहर जाएगा प्रोटोजोवन पॉरीफेरा में ऐसा देखा जाता है जबकि एक्स्ट्रा सेलूलर डायजेशन दे हैव सेपरेट ओपनिंग एक माउथ होगा एक एनएस होगा सिलेंड्रेटा ऑन वॉर्ड ये सारे इसमें पाए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं माउथ से लेके एनएस तक माउथ में हमारे सेलेवरी ग्लैंड टीथ टंग टीथ टंग होगा फिर हमारा ईसोफेगस आएगा देन स्टमक देन स्मॉल इंटेसिन लार्ज इंटेसिन एरेक्टम एंड एस माउथ में लिप्स टीथ टंग एंड सेलेवरी ग्लैंड लिप्स के बारे में बात करें तो लिप्स एक खास तरीके का मसल से बना होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिकुल आरिस मसल लिप्स का कलर यूजली पिंक होता है और इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है जेंट आउटसाइड स्वेट ग्लाइंड इज प्रजेंट इनसाइड साइड तीत बहुत इंपॉर्टेंट है तीत से क्वेश्चन आता है ओरिजिन अगर देखा जाए तो एक्टो और मीजो डर्मल होता है देर इज अ गम्फोसिस विच इज अ पैग एंड सॉकेट जॉइंट पैग एंड सॉकेट जॉइंट दे आर फाउंड इन द थो डॉन्ट तीथ अगर पार्ट के बारे में बात करें तो द पार्ट ऑफ तीथ द क्राउन पार्ट विच इज कॉल्ड एक्सपोज पार्ट और देर इज अ नेक्स्ट पार्ट रीजन बिटवीन गम एंड तीत रूट जो होता है द रीजन बिटवीन बोनी सॉकेट एंड तीत तो दांत अंदर गम के अंदर धंसा रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे अगर देखें तो देर इज अ सेल विच इज कॉल अमीलो ब्लास्ट सेल विच सिक्रीट द एनेमल सिक्रीट करता है और नीट में आया है सेल क्या सिक्रियट करता है उसको जानना है और डोंटो ब्लास्ट सेल दे सिक्रीट द डेंटाइन और देयर इज अ सीमेंटू ग्लास सेल विच सिक्रीट द सीमेंट यहाँ पे देखेंगे तो ओपनिंग होता है इस ओपनिंग को हम ओप अपाइकल फोरामिन कहते हैं जिससे ब्लड और वेसल्स और नर्व्स एंटर होता है और दिस इज द पल्व कैविटी तो ये ओपनिंग बेसिकली हम लोगों में बंद हो जाता है बट कुछ एनिमल में खुला रहता है तो उनका दांत जो है टूटने के बाद भी फिर से दांत आ जाते हैं और हमारे दांत अगर टूटेंगे तो फिर से आएंगे नहीं एडल्ट में बच्चों में आ जाते हैं तो ओडोन्टो ब्लास्ट सेल दे सीट डेंटाइन टाइन क्वेश्चन आया हुआ है सेल दे द सीमेंट फिक्स करने में मदद करेगा पल्व कैविटी और ओपन रूट टीथ पल्व कैविटी हैज ओपनिंग कॉल द पाइगल फोरामेन फोर थ्रू विच द ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर देर इज अ जनरली ब्लॉक आफ्टर द द सम मेच्योरिटी बट रिमेन ओपन इन सम एनिमल्स एंड ग्रोथ एंड टीथ अकर थ्रू आउट द लाइफ टाइम इन साइजर ऑफ रैट टक्स ऑफ एलिफेंट डेंटाइन के बारे में बात करें तो देर इज अजो डर्मन इन ओरिजिन सिक्सटी नाइन परसेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इनेबल दे आर सिक्रेटेड बाई द अमीलो सेल, नाइन्टी सिक्स परसेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसलिए इसे फर्स्ट हार्डेस्ट सबसंग कहते हैं कोई भी चीज़ हार्ड होगा ये इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंटेंट होगा तो ये नहीं आएगा होमोडोंट के बारे में बात करें तो अगर सिमिलर टाइप के अगर दांत हो तो दे आर कोल्ड होमोडोंट और हेट्रो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दांत अगर हो तो दे आर कोल्ड हेट्रोडोंट इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर मोलर के बारे में अगर बात करें तो इंसाइजर आगे वाला दांत होता है उसे काटने में मद, मदद करता है दे आर फ्लैट सेप नो कप्स कटिंग कैनाइन पॉइंटेड सरफेस हेल्प इन द टरिंग प्री मोलर बाइकस्पिड एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड एंड मोलर इज अ ट्राइकस्पिड एंड मास्टिकेशन ऑफ द फूड डेंटल फॉमुला इंसाइजर का नाइन प्री मोलर मोलर डिड इन मोलर इंटू दूमल में टू वन जीरो ऊपर दस नीचे दस टोटल बीस दांत आते हैं है ना टोटल बीस दांत होंगे मतलब ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ से मतलब हाफ और फिर हाफ इसे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे दांत का आ जाएगा परमानेंट तीथ में अगर बात करें तो टू वन टू थ्री डिवाइडेड बाई टू वन टू थ्री इन टू टू तो थर्टी टू आंसर होगा इम्पॉर्टेंट है आ, कुछ कुछ आ, आ, मतलब कि फैक्ट्स हैं जैसे प्री मोलर इज एपसेंट इन मिल्क तीथ नीट में आया वो क्वेश्चन है फर्स्ट तीथ अपीयर सेंटर इन साइजर और लास्ट तीर्थ जो है मोलर में देखा जाता है डिजीज़ वगैरह से कुछ खास क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा टंग के बारे में आ जाते हैं तो मिजोडम इसका ओरिजिन मिजोडम से होता है दे आर आर फ्री एट इंटीरियर आगे के समय आगे के साइड फ्री होता है बट फिक्स एट द पोस्टीरियर साइड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ इज कॉल्ड फेरिनम जिसे आ करेंगे तो अटैच रहता है फ्रॉग में उल्टा होता है और उसे इंसेक्ट वगैरह पकड़ने में आसानी रहती है यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पूरे टंग को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं द ओरल पार्ट एंड फेरेंजियल पार्ट

ट्रेनियन लव नाइन है तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है लिटिल बिट फैट आर डायजेस्टेड इन साइड द माउथ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको लगता है कि फैट का डाइजेशन स्मॉल एंड टेस्टीन में ही होगा तो हेयर इज द पैपिला पैपिला जैसे पिम्पल आता है ना वैसे पैपिला होता है

Uh, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये कान के नीचे जो बहुत बड़ा सेलेवरी ग्लैंड नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेलेवरी ग्लैंड और डक्ट होता है जो इसका सिक्रेशन माउथ में लेके आता है uh, टंग के नीचे है सब लिंग ग्लैंड uh, इसका जो पाइप है दैट इज कॉल्ड रेविनस डक्ट और यहाँ पे सब मैंडिबुलर और सब मैगजलरी इसका पाइप है वॉडसन डाक दिस इज इंपॉर्टेंट डक से क्वेश्चन आ सकता है पैरेटेड दे आर सिचुएटेड बिलो द ईयर एंड डाइजेस्ट द सेलेवरी ग्लैंड डक्ट open the mouth and zero mucus secretion mumps is caused by the paramyxovirus group of virus important Some submandibular they are situated at the junction of mandible and maxilla watson duct which open into the incisor sublingual they are situated below the tongue ravenous duct which open below the duct <coughs> now we have a saliva thylene and salivary amylase saliva secrete approximately 1 to 2 liter per day right इट इज प्रमोटेड बाय द पैरा सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्फैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही प्रमोट होगा तो स्लवेशन uh, शुरू हो जाएगा तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्लाइव अच्छा पीएच 6.8 होता है बेस्ट एक्शन इसको न्यूट्रल पीएच पे देखा जाता है स्क्रीटरी प्रोडक्ट द हैवी सॉल्ट ड्रग लाइफ एनिसलियम प्रोटेक्टिव सब्सेंस लाइक लाइसोजोम थाजाइम सिलेवरी एमाइलेज टाइलिन होते हैं फूड सब्सेंट आर प्रेजेंट इन द माउथ इज कॉल्ड बोलस माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है डेक्सोज माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा स्मॉल ट्राइग्लिसराइड दिस इज इंपॉर्टेंट विच इज अ फैट्स ऑप्शन लिंगुअल लाइपेज के थ्रू होता है फैटी एसिड और डायसेक्राइड में कन्वर्ट होता है माउथ में किस चीज़ का एब्जॉर्ब्शन होता है तो सर्टेन एंड ड्रॉप्स एब्जॉर्ब इनसाइड द माउथ थ्रू द ब्लड कैपिलरी इजो दिस इज अ कंटिन्यूस पाइप दे हैव अ कंटिन्यूअस पैरासल्टिक एक्टिविटी जिससे खाना जो है नीचे की तरफ आएगा so सो the अर राइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द माउथ एंड ओपन इंटन इंटू द अपर पार्ट ऑफ द माउथ food को bolus कहते हैं और नीचे धीरे 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 नीचे के तरफ आता है स्टमक के बारे में बात करें तो देर इज अ गैस्टर स्ट्रक्चर वैन दे आर एम टी अगर खाना भर जाता है तो इन्वर्टेड शी शेप हो जाता है कार्डिक फंडस बॉडी के पार्ट होते हैं आप देख पा रहे हैं ये फंडस ऊपर वाला है दिस वन इज अ बॉडी देन पायलोर पायलोरिक पार्ट इसके भी दो पार्ट होते हैं कैपेसिटी वैरी करता है 1.5 टू 1.7 लीटर तक होता है और फूड स्टे दो ढाई घंटे से पांच घंटे तक यहाँ पे रुक सकता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ली फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द प्रोटीन रिच फैट 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 रिच रिच एंड प्रोटीन फूड स्टडी ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गेस्ट्रोलॉजी एंड स्टमक इज एपसेंट इन लीव यू विज फिश फंडिक पार्ट इज लैम्प्री है फ्रॉक स्टमक फाउंड इन द रोमिनेट एनिमल्स Uh, यहाँ पे देर इज अ ओमेंटम और करवेचर मान लीजिए ये स्टमक है तो स्टमक में ये जो वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड लेजर लेजर कर्वेचर एंड दिस वन इज अ ग्रेटर कर्वेचर लेजर कर्वेचर सेल्फोर लेवर एल्फोर लेजर कर्वेचर और ग्रेटर uh, कर्वेचर से हमारे इंटस्टीन अटैच होते हैं राइट right? और लेजर uh, कर्वेचर से हमारा लिवर अटैच होता है uh, एंट्रम में जी सेल होता है जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन से करता है विच इज स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस

पैप्सिनट एब्जॉर्न इन साइड द स्टमक एब्सॉर्न ऑफ वॉटर सिंपल सुगर एल्हल इज टेक स्मॉल बट देंथ वाइज इट इज अ लार्जर दैन लार्ज इंटरस्टीन देर कॉल तो स्मॉल इसका डायमीटर स्मॉल है बट लेंथ वाइज बहुत बड़ा है अप्रॉक्स सिक्स पॉइंट टू फाइव मीटर इन लेंथ मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है द वॉल ऑफ करिकरिंग एंड प्लाइका सर्कुलरिस ये पूरे एरिया को बढ़ा देता है जिससे एब्जॉर्ब्शन का रेट बढ़ जाता है सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्ब्शन सेल लाइनिंग ऑफ विज कॉल्ड माइक्रो दे इंक्रीज द टोटल एरिया फोल्ड माइक्रोविलाई इज अप्रॉक्स सिक्स थाउजेंड थाइम एपिथीलियम ऑफ इंडस्ट्रीन इज सराउंड बाय द ब्रश बॉर्डर कॉलमार एपिथीलियम इससे क्वेश्चन आया हुआ है एंड द होल इंटेस्टिन इज लाइन बाई इन इन्वॉल्ट्री स्मूथ मसल इसके तीन पार्ट होते हैं द ड्यूडनम जेजनम एंड ईलियम ड्यूडनम जेजनम ईलियम तो यहाँ पे इस लाइन से काफी क्वेश्चन आया हुआ है देर इज अ ब्रूनस ग्लैंड और ड्यूडनल ग्लैंड इन सम्यूको ऑफ द ड्यूडेनम बेसिकली म्यूकस ताकि ये डाइजेस्ट ना हो इसका इफेक्ट एसिड का इफेक्ट कम हो जेजनम टू सेंटीमीटर इन लेट एग्जाम्पल सत्तर सेंटिकर्स मैक्सिम विज प्रेजेंट

एंड दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन आता है कि इंटेस्टाइनल uh, जूस और सक्कर सेंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम नहीं होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन होते हैं डाइसेक्राइड डाइपेप्टाइडेज माल्टेजेज लाइपेजेज न्यूक्लोसाइडेजेज यहाँ पे कुछ सेल के नाम हैं माइक्रोफोल्ड सेल्स दे आइडेंटिफाइड एंटीजन प्रेजेंट इन द फूड स्टेम सेल दे रिप्लेस द डेड सेल पेरिन सेल्स दे सिक्रीट द लाइसोजाइम अर्जेंटाफिल सेल्स दे सिक्रीट द सेरेटोनिक डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टिन स्मॉल ज अजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फैट एंड नाउ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो इंटेस्टाइनल जूस कंटेन डाइसेट दैट इज इंसाइन स्प्लिटिंग द डायसेक्राइट इन द मोनोसेक्राइट सुक्रोज इज कन्टेड टू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विदेज सुक्रेज Fat digestion, a uh, polysaccharide starch is converted into the disaccharide amylase. Fat digestion, intestinal lipase is particularly converted with hydrolysis of fat to produce a monoglycerides. Fat is converted into the disaccharides and then monosaccharides. Uh, protein digestion erupts in mixture of several specific enzymes which act the primarily or rapidly on the peptones, polypeptides, and converting them into the amino acid, protein, peptones, proteases, trypsin. फिर डाइपेप्टज डाइपेप्ट से अमीनो एसिड बनता है एब्जॉर्बशन स्मॉल इंटेस्टिन में क्या होता है मैक्सिमम जितने भी न्यूट्रेंट हैं सारे के सारे एब्जॉर्ब होते हैं दे आर प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द ऑफ द ऑफ्रेंट डाइजेशन इज कम्प्लीटेड है बिकॉज द लॉट ऑफ आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंसाइन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इज सच एज द ग्लूकोज फ्रेक्टोज फैटी एसिड ग्लिसरॉल अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा बिकॉज दे हैव अ स्मॉल ब्लड वेसल्स तो यहाँ पे एबजॉर्ब हो जाते हैं नाउ वी हैव अ लार्ज इंटेस्टिन। लार्ज इंटेस्टिन के बारे में बात करें तो डायमीटर वाइड इज इट द लार्जर डायमीटर वाइज लार्जर है बट लेंथ वाइज शॉर्टर है अनडाइजेस्टिड और अनएब्जॉर्ब पार्ट पास होता है लार्ज इंटेस्टिन में सो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अगर इन द लार्ज इंटस्ट्रीन फंक्शन क्या होगा ओनली द एब्जॉर्बन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सॉर्टन ड्रॉग्स सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडरिंग द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड फीकल मैटर उसे एडहर करेगा और उसको धीरे धीरे आगे की तरफ ईजी पैसेज कराएगा अगर पार्ट देखें तो सीकम कोलोन रेक्टम कोलोन के तीन पार्ट होते हैं असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन डिसेंडिंग कोलोन आ, सीकम एक ब्लाइंड पाउच है और जहाँ पे एलियम का मतलब कि एलियम आके खुलता है तो एलियम आके खुलेगा तो ईलियम के पास वॉल होता है दैट इज कॉल्ड एलियो सिकल वॉल सीकम आ, जितने भी हरव्यू वर्स हैं उसमें फंक्शनल होता है क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन में सहायक होता है अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब पार्ट इज फीकल मैटर विच एंटर टू द सीकम विच इज लार्ज एंटेन थ्रू द वॉल दिस वॉल इज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द कंटेंट ऑफ द इलियम मिनिमम पैरास्टाइल्सिस अगर होता है मिनिमम पैरासिल्सिस देखा जाता है रेक्टम में और भी मिनिमम पैरास्टाइलिस जैसे ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो ईसु में सबसे ज्यादा पैरास्टेलिसिस फिर नीचे नीचे रेक्टम में कम पैरास्टेलिस देखा जाएगा यहीं पर सीकम के पास अपेंडिक्स होता है Uh, अगर मान लीजिए कि उसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाता है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं और उसे सर्जिकली रिमूव कर कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन फंक्शन ऑफ लार्ज एंडेस्टिंग देयर इज एब्जॉर्बन ऑफ सम वाटर और मिनरल सर्टेन ड्रग्स दे सग्रीट द म्यूकस विच हेल्प इन एडहेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेट फॉर द इजी पैसेज फैट डाइजेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज़ इंसॉलेबल दे कैनॉट एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड एंड दे फर्स्ट इनकॉपरेटेड इन द स्मॉल ड्रॉपलेट दे आर कॉल्ड मिसल्स they are uh, reformed very small protein coated fat global they are called chylomicrons this is the mrs bile salt fatty acid glycerol triglyceride chylomicron This structure is the structure now they have a digestive gland liver and pancreas liver is the largest gland uh, which is situated on the right side of the abdomen 1.5 kg in weight they are covered with the glisson capsules or internally the liver is divided into the two lobe लिवर इज़ अ मिक्स ग्लैंड और फैलसीफॉर्म लिगामेंट लीवर को डिवाइड करता है लिवर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल हैपेटिक सेल्स और हैपेटिक सेल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता हैपेटिक्लोबियस हैपेटोसाइट्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर लिवर के अंदर एक सेल्स होता है दे आर कॉल्ड कुफनर सेल्स विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ फिक्स माइक्रोफेज वहीं पर रहते हैं और uh, अगर कुछ भी चीज़ है तो उसे खाने में मदद करते हैं मतलब uh, अगर कोई भी फॉरन मटीरियल आ जाए खा लेंगे लिवर का मेन काम है बहुत सारे काम होते हैं तो जैसे बायोसिक्रीट होगा गोल ब्लडर में आएगा गॉल ब्लेडर उसे कंसनट्रेट करेगा और कंसनट्रेट करके स्मॉल इंटेस्टीन के पास भेज देगा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज ग्लाइकोजन ग्लाइकोनिओजेनेसिस ग्लूकोज ग्लूकोनिओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द न्यू सब्सेंस लाइक फैट प्रोटीन एक्सेट्रा एंड फाइब्रोजेनसिस प्रोथ्रॉम्बेन एंड दिस वन स्टोरेज ऑफ विटामिन ए डी ई के विटामिन बी ट्वेल्व आयरन कॉपर एल फॉर्मेशन ऑफ बाइल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन ये फंक्शन है लिवर का पेंक्रियाज अगेन दिस इज कॉल्ड हेट्रो हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज हम इसका एंडोक्राइन पोर्शन लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसका हम एक्सोक्राइन पोर्शन यानी पेंक्राइटिक जूस के बारे में बात करते हैं तो पेंक्रियाज इज सिचुएटेड इन द लूप ऑफ द ड्यूटेनम एंड स्प्रिंचर ऑफ ओडाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिक्रेशन ड्यूडना में जाता है तो जिस जहाँ पर वो गार्ड करेगा इस्प्रिंचर ऑफ़ ओडाई करेगा एक्जोकराइन पोर्सन सिक्रेट द अल्कलिन पेंक्रेटिक जूस कंटेनिंग द इंसाइन हॉर्मोन इंसुलिन और ग्लूकागन सिक्रिएट करता है दिस लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेंक्रेटिक जूस कंटेन द इनएक्टिव इंसाइन दैट इज टाइप ट्रिप्सिनोजन काइमो ट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बॉक्सीपेपटाइडेजिज एज लाइपेज न्यूक्स

फंक्शंस के लीवर से इसे काम नहीं करेगा उसकी वजह से भी हो सकता है वोमिटिंग में इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द थ्रू द माउथ दैट इज कॉल्ड कॉल्डिंग एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द मेडुला दैट्स ऑल चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विद दू टू इज प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होते हैं जो इसे आपको याद रखने चाहिए स्पॉन्जेस सिलेंड्रीट फ्लैटवॉर्म में इंटायर बॉडी सर्फिस अर्थवॉर्म में मोस्क्यूटिकल uh, इंसेक्ट में मालफिजिन टूब्यूज इक्वेटिक ऑर्थोपोड मोलस्का फिश में गिल्स एंड बर्ड रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स में लंग तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है वन इज कॉल रेस्पिरेशन अदर इज कॉल एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स uh, जो है टूट uh, जाता है है ना कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो रेस्परेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिलीज मच हाइयर देक प्लेस बोथ साइटोप्लाजम माइटोकॉन्ड्रिया ए साइटोप्लाजम माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में देखा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन डू नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है एनर्जी रिलीज इज लोअर रेट एंड दे टेक प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में ही देखा जाता है यहाँ पर रेस्पिरेटरी एरिया सिस्टम देख पा रहे हैं दिस इज अ अज ये नॉस्ट्रिल है हवा इस ट्रैकिया uh, के थ्रू दोनों लंग्स uh, में जाती है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ डाइफ्राम विच इज द एयर टाइट जंक्शन बिटवीन द थोरासी कैविटी एंड डोमिन कैविटी और इसके बीच में बहुत सारे ब्रोंकिन ब्रोंकि होते हैं लंग्स चारों तरफ से एक उससे घिरा रहता है मेम्ब्रेन से घिरा रहता है मेम्ब्रेन 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 इज इज प्लूरल प्लूरल और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूड होता है दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूड इसके अंदर प्लूरल फ्लूड होता है uh, आप एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दे आर कॉल्ड ब्रॉन्कीोल्स एंड जो टिप ऑफ ब्रॉन्की है दे आर कॉल्ड एल्विलाई विच इज अ प्राइमरी साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंज अगर मान लीजिए ये एलविलाई है तो एलविलाई के चारों तरफ से ब्लड वेसल्स होते हैं ऑक्सीजन यहाँ आता है और यहाँ पे एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक देखेंगे तो यहाँ पे एक कौका है जो एयर को कंडीशनिंग करते हैं ठीक है तो दिस कोंका इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोलिंग द एयर टेम्परेचर और हवा इस कोंका से घूम के और फिर ट्रैकिया के अंदर जा पाती है Lungs is situated in thoracic cavity. Lungs is lined by the endodermal epithelial, which is surrounded by the major dermal connective tissue. So origin in ectoderm, uh, endoderms. Larynx is called sound box, just sound we produce karte they are called sound box. Larynx is the cartilaginous box, which help in sound production, hence they are called sound box. During the swallowing, glottis can be covered by a thin elastic, कार्टिलेज flap दे आर कॉल्ड epiglottis टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू द लैरिंग्स यहाँ पे देखेंगे लंग्स में तो ये ट्रैकिया है ट्रैकिया बाईफर्केट हो जाता है मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है दिस वन इज कॉल राइट ट्रैकिया दिस वन इज कॉल लेफ्ट ट्रैकिया लेफ्ट ब्रोंकस ये ट्रैकिया है ये ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है हम राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड के जो लंग्स होते हैं वो तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं और ये जो डिवाइड करता है ये हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर डिवाइड करता है राइट अपर राइट मिडल राइट लोअर यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक ही फिशर होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक फिशर जो लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर को डिवाइड करता है दो लंग्स के बीच में जो दूरी होती है दे आर कॉल्ड मीडिया स्टेनम और वहीं पे लेफ्ट साइड में एक नॉच होता है एंड दैट्स कॉल्ड कार्डिक नॉच जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है सो वी है टू लंग्स विच आर कवर्ड विद द डबल लेयर ऑफ प्लूरा विद प्लूरल प्ल्यूरल फ्लूड आर प्रजेंट प्लूरल फ्लूड जो होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट आगे की तरफ एक्सपैंड होता है तो uh, रिप्स से घिस के ख़राब ना हो तो वो उसके लिए सहायक होता है प्लूरल फ्लूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फिस एंड आउटर प्लोरल मेम्बरेन इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरासिक लाइनिंग एंड इनर प्लेरल मेम्बरेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग सर्फिस दिस इज अ प्लेराइसिड एंड प्लोरल इफ्यूजन अगर बहुत सारा प्लोरल इफ्यूजन हो जाए तो चेस्ट एक्सरे करेंगे चेस्ट एक्सरे में वाइट देखिए यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए था आइडियली है ना ब्लैक इज फॉर द एयर ये ईयर कंटेंट है तो यहाँ पे यहाँ तक ब्लैक आना चाहिए था बट यहाँ पे कुछ कलर नहीं आ रहा तो दिस इज माइट बी द फ्लूड ये फ्लूड है तो एक ऑस्कल्टेशन मैथड होता है टप 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 मारेंगे पीछे से तो एक डलनेस आवाज आएगी जिससे हम पता लगा लेंगे फिर एक इंजेक्शन डालेंगे और फ्लूड को निकाल के देखेंगे कि वो फ्लूड क्या है माइट बी इट्स बैक्टीरियल इन्फ्लेक्शन और वायरस मोस्ट कॉमन कॉजटिव फैक्टर जो होता है वो टीवर क्लोसेस की वजह से ही देखा जाता है ना वी हैव अ ट्रैकिया ट्रैकिया के बारे में बात करें कि करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है दे आर लाइन बाय द शी शेफ काटलेज विच इज अप ऑफ हाइलीन कार्टिलेज ट्रैकिया के टी एस देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो गॉबलेट सेल होता है कॉलमार सेल एंड एनसिलेटेड सेल्स होता है ट्रैकिया के अंदर गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रिएट करता है तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं जब हम सांस लेते हैं तो उस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स से तो गॉबलेट सेल म्यूकस जो सिक्रियट कर रहा है वो डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेगा एंड कलमनार एनसीटेड सेल भी ये डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करते हैं तो दिस इज एक्चुअली द डिफेंस मैकेनिजम ऑफ द आर बॉडी बट अगर पार्टिकल साइज बहुत कम हो जैसे अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेस देन टू माइक्रोमीटर इतने छोटे होते हैं कि डस्ट पार्टिकल ये जो हमारा सिलेटेड सेल है उसे पकड़ नहीं पाता है एंड दे दे एंटर इनसाइड द डीप इनसाइड द लंग्स एंड दॉज ऑफ द ग्रेट हार्म हार्मो एसिलोरी म्यूको सिलेरी एसिलेटर वही होता है कि जैसे पूरे दिन आप बाहर रहते हैं पूरे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ आपके ट्रैकिया के अंदर होते हैं जब सुबह उठते हैं तो आपकी खांसी वसी आती है और वो एक्सपेल आउट हो जाता है तो ट्रैकिया इज वेरी स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अपॉन द मिड फॉरासिक कैविटी विच डिवाइडेड एट द फिफ्थ फिफ्थ से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है right bronchus, अब में देखेंगे कि राइट वालाइंड है से और वाइडर भी है तो दे आर मोर इनक्लाइंड एंड वाइडर तो ऑब्वियस गैस सबसे ज्यादा राइट साइड में जाता है मतलब हवा जब हम लेते हैं सांस लेते हैं तो मतलब एज कम्पेयर टू द लेफ्ट राइट में सबसे ज्यादा हवा जाता है हवा के साथ साथ जो पैथोजन होंगे बैक्टीरिया वायरसोड वो तो� सारे अंदर जा सकते हैं इसलिए राइट साइड जो लंग्स होता है वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो या ब्रॉडर एंड शॉर्टर द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर ऑन द राइट साइड क्योंकि राइट साइड मोर इंक्लाइंड है वाइडर है लेफ्ट वाला बहुत ही पतला है इसलिए ऐसा होता है एलवलाई मेन साइड है जहाँ पे गैसिज एक्सचेंज देखा जाता है ईच टर्मिनल ब्रॉन्क्यूज गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल वैसकलाइज बॉडी लाइक ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्विलाई एल्विलाई कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ एपिथीलियल सेल वन टाइप ऑफ माइक्रोफेजेस दो टाइप के एपिथीलियल सेल्स होते हैं टाइप वन टाइप टू और एक माइक्रोफेज होता है जो वहीं पर रहता है और कोई भी पैथोजन आएगा तो उसे किल करने में मदद करेगा एलवेलर माइक्रोफेर फिक्स माइक्रोफेज द प्रिवेंट द इन्फेक्शन टाइप वन जो होता है एनजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एनजाइन से क्रिएट करता है जो एनजियोटेंसिन ओजन को फर्स्ट में कन्वर्ट करता है तो टाइप सेकेंड जो होता है सरफेक्टेंट से क्रिएट करता है जिससे बर्थ के बाद लंग्स में जो रिक्वायरिंग कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाए दे हेल्प इन रिड्यूस द सर्फेस एरिया इन साइड द एलवेलाई सो द एक बार एलवेलाई अगर फूल जाएगा तो फिर से तो वो कॉलेप्स ना हो पाए ये सर्फेक्टेंट करता है ये करीब 22 वीक 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है और जब बच्चा डिलीवर होता है तो दिस सर्फेक्टेंट कैन बी वर्क राइट तो इससे क्वेश्चन आता है कि इन लंग्स

तो डाइफ्राम इज मेड अप ऑफ रेडियल मसल्स मस्कुलो फाइबरस स्ट्रक्चर नॉट अ कार्टिलेज कार्टिलेज से मिल नहीं बना होता है डाइफ्राम इज अ एयरटाइट स्ट्रक्चर इफ पंचर सडन डेथ कैन बी टेक प्लेस एक हिकअप्स होता है हिचकी होता है क्योंकि एक फ्रेनिक नर्व्स होता है वो डाइफ्राम को इरिटेट करता है डाइफ्राम अप एंड डाउन करेगा तो लैरिंग से करेक्टिक साउंड आएगा दैट्स कॉल्ड हिकअप्स डाइफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है नियरली इट बिल्कुल फ्लैट जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम डोम शेप हो जाता है दे बिकम अ डोम शेप इंटरकोस्टल मसल दो रिब्स के बीच में जो मसल होता है उसे हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं और रिब्स के ऊपर बाहर से भी मसल्स होते हैं तो दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स तो दे हैव एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंटरनल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाला इंटरनल मतलब अंदर वाला दौरान नहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड दे बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल एक्सपेरेशन जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कब एक्टिव होगा तो फोर्सफुल एक्सप्रेशन पे एक्टिव होगा क्या रेस्पिरेशन के स्टेप हो सकते हैं ब्रीदिंग एंड पलमनरी वेंटिलेशन बाय द एटमोस्फिक एयर इज ड्रॉन इन एंड सी ऊ रि एलवर एयर इज पास आउट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड सी ओ टू अक्रॉस द एलवर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो कैसी प्रक्रिया होती है एक्टिव प्रोसेस फास्ट प्रोसेस टू सेकेंड का होता है फ्लटिंग ऑफ डाइफ्राम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स विल भी इंक्रीज है सांस लीजिए खुद से तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा तो से प्रेशर घट जाएगा है ना वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा प्रेशर अंदर का कम है बाहर का ज्यादा है तो बाहर से सांस जो है अंदर हवा अंदर आना शुरू हो जाएगा तो फॉल ऑफ प्रेशर इन द दॉरासिक कैविटी एयर फ्रॉम द आउटसाइड साइड रशेज इन साइड द लंग्स थ्रू द नॉस्टिल एंड ट्रॉकिया एंड ब्रॉन्या राइट एक्सपीरेशन सांस छोड़ो जरा सांस छोड़ रहे हो तो जो है वॉल्यूम कम हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा प्रेशर अगर बढ़ेगा प्रेशर अगर बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का कम है तो अंदर से बाहर हवा जाना शुरू हो जाएगा दैट्स कॉल एक्सपीरेशन ये पैसिव प्रोसेस है इसे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है डाइफ्राम बिकम कन्वेक्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटर मसल वॉल्यूम ऑफ थॉरक्स कम अगर बलून को आप दबाओगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएगा सिम ही है एंड राइज द प्रेशर इन द दी कैविटी द एयर फ्रॉम द इनसाइड रशेज थ्रू द ब्रकियाई ट्रैकिया एंड देन लंग्स आउट हो जाएगा हेल्दी ह्यूमन हार्ट अप्रॉक्स हम ब्रीथ करते हैं बारह से सोलह टाइम्स पर मिनट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई ए स्पायरोमीटर से कर सकते हैं स्पायरो से हम उसको नाप सकते हैं ना वी हैव अ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज रेगुलेटेड रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन सेरेवेलम इन द रेस्पिरेटरी सेंटर पोन्स एंड मेडुलाटा कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एंड स्पेशलाइज सेंटर विच इज प्रजेंट इन मेडुला रीजन विच इज कॉल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अनादर सेंटर इज प्रजेंट इट स्पोन्स ऑन द ब्रेन दे आर कॉल्ड न्यूमोटिक सेंट हो एंड मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो कीमोसेंसिटिव एरिया विल भी एक्टिवेटेड और हमें मन करेगा कि हम सांस लें बंद कमरे में काफ़ी दिनों तक रहेंगे तो हमारे बॉडी में सी टू की मात्रा बढ़ जाएगी सफोकेशन होने लगेगा और हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी एंड दैट्स कॉल हाइपर सो द रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द आयोटिक आर्ट जो हार्ट से निकलता है

6000 थाउजेंड टू ml of air per ऑफ़ एयर पर मिनट इंसपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जबरदस्ती आप सांस ले रहे हो तो जबरदस्ती कितना ले सकते हो 2500 से 3000 ml तक आप ले सकते हो ठीक है एक्सपिरीटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी एक्सपायर फोर्सफुली और जबरदस्ती सांस कितना छोड़ सकते हो तो हजार से 1100 हंड्रेड एम एल वॉल्यूम जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी कुछ हवा हमारे लंग्स में बच जाती है दे आर कॉल रेजिड्यूबल वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स ये करीब 1100 टू 1200 हंड्रेड होता है कुछ कैपेसिटी आपको याद रखना चाहिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ पर्सन कैन भी इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन आईसी बराबर टीवी प्लस आई दोनों को कैलकुलेट करके 3000 थाउजेंड आ जाएगा इंस्पिरेटरी अगेन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन टी बी ई सी व टी बी प्लस ई आर वी पंद्रह सौ एम एल आ जाएगा फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी बाईस सौ एम एल होता है इसको याद रखिएगा इसका टेबल बना के अपने दीवार पर चिपका लीजिएगा इससे क्वेश्चन आएगा वाइटल कैपेसिटी फोर थाउजेंड एम एल और टोटल लंग कैपेसिटी इक्यावन सौ एम एल होता है अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बात करेंगे आपको पता है कि एक्सचेंज मैक्सिमम दे टेक प्लेस एट द साइट ऑफ एल्ब और फिर एक बार ब्लड में ऑक्सीजन आ जाए तो फिर दूसरा एक्सचेंज होता है ब्लड इस टिश्यू के थ्रू तो एलवलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज डू नॉट ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इज साइट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है प्रेशर ग्रेडिंग क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड में टिश्यू में कम होता है तो ट्रैवल हो जाता है पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि बहुत सारे गैसेज हैं सी ओ टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो ये सारे एक पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं दे आर कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ये टेबल आपको याद रखना चाहिए है ना ये टेबल आप एन से याद कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको जानना चाहिए सॉलेबिलिटी ऑफ सी टू इज अप्रॉक्स 20 टू 25 फाइव टाइम हाइयर देन ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ सी यू टू कैन बी डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेमोरी पर यूनिट डिफरेंस इन अ पार्सल प्रेशर इज मच हाईर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे जब हम सांस लेते हैं तो एलविलर एयर में पार्सल प्रेशर 104 सौ चार होता है जैसे जैसे हमारे हार्ट पे आया फिर हार्ट से पंप होकर पूरा सिस्टमिक में जाता है तो इसमें करीब 95 ही रह जाता है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन यूज़ हो गया फिर टिश्यू ने इस ऑक्सीजन को लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ चालीस ही एम ही रह पाता है चालीस एम ही रह पाता है तो ये पूछा जाता है डिफ्यूजन मेंब्रेन कैन बी मेड अप ऑफ थ्री लेयर थिन एस्क्वासेपीथिलियम एंडोथीशियम ऑफ एलविलर एलविलर कैपले बेसमेंट मेम्बरेन बिटवीन देम एंड टोटल थिकनेस इज लेस देन मिलीमीटर द फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई एंड टिश्यू एंड दैट ऑक्सीजन एंड टिश्यू एलवेलाई यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका जो थिकनेस uh, होना चाहिए पॉइंट फाइव एम mm एम से कम होना चाहिए तभी एक्सचेंज हो पाएगा तभी एक्सचेंज हो पाएगा नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात करें तो ब्लड इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइनटी सेवन परसेंट आरबीसी के माध्यम से होता है तीन परसेंट प्लाज्मा के माध्यम से होता है जबकि कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होता है सत्तर प्रतिशत बीस से पच्चीस प्रतिशत आरबीसी के थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज डिपेंड ऑन द पार्सल प्रेशर ऑफ़ द गैसेज इन एटमोस्फेर तो ऑक्सीजन का करीब वन फाइव नाइन है सी यू टू का पॉइंट थ्री एम एम एच जी है अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो टाइप का होता है वन इज कॉल्ड फिजिकल एंड अदर इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ये होता है कि द हीमोग्लोबिन इज बाइंड विद द फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तीन अपने पास ही रखता है और एक डिलीवर कर देता है टिशू को नॉर्मल स्टेज में बट अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो तीन टिश्यू को देता है और एक अपने पास रखता है जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब तो ऑक्सीजन बाइंड इन रिवर्सिबल मैनर क्योंकि उसे डिसोसिएट होना भी होता है और जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही रहता है देर इज अ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब जो होता है सिग्मोइड होता है बस इसको लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नहीं करना है एंड दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एल आई हाई पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एच प्लस आयन एंड लो टेम्परेचर दिस इज फेवर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन टिश्यू लो पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाइयर टेम्परेचर हाइयर सब हाइयर है एक लो है ऑक्सीजन ये फैक्टर जो होता है दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन इसको आपको ध्यान में रखना है सो वॉट इज अ ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक विच इज कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा एंड द फॉर्म एलिमेंट्स प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर का होता है विस्कस फ्लूड होता है दे कंसिस्ट ऑफ फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड एंड नाइंटी टू नाइनटीट ऑफ प्लाज्मा हैविंग द वॉटर एंड प्रोटीन इसे याद करने का तरीका है आ ओ जी फैंटा पीओ एल्बुमिन ग्लोबिलिन फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रॉम्बिन एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस ग्लोबलिन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मेके बॉडी फाइब्रोनोजन इज हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड कॉगोलेशन ऑफ ब्लड प्रोथ्रॉम्बिन इज एक्टिवेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स होते हैं मिनरल में सोडियम पोटेशियम दैट्स सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट एंड क्लोरिन ओकोसन्यूट्रेटिव सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड्स भी पाए जाते हैं अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लें तो उसे सीरम कहते हैं फॉर्म डेलमेंट के अगर बारे में बात करें तो दे देव दे कंसिस्ट ऑफ एराइथ्रोसाइड्स आरबीसी लिकोसाइड डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स एंड फॉर्म एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड ये होता है इसमें आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट आते हैं आर बी सी रेड ब्लड सेल्स दे आर फॉर्म इन साइड द रेड बोन मैरो रेड बोन मैरोज प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन लाइक द फीमर टीबी स्टर्नम और इसके सिक्वेंस अगर देखें तो रेड बोन मैरो में प्लूरोपोटेनस्थेम सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं दे कन्वर्टेंट टू द अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट सेल इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मो ब्लास्ट सेल और फिर लेट नॉर्मो ब्लास्ट में एक रेटिकुलर साइड स्टेज आता है जैसे न्यूक्लियस डिसपीयर हो जाता है एंड दे फॉर्म द एराथ्रोसाइड्स तो रेटिकुलर साइड स्टेज के बाद न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है काउंट ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स है काउंट तो से uh, uh, के बारे में बात करें तो मेल में करीब पाँच से फाइव मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है फीमेल में फोर टू फोर पॉइंट फाइव मिलियन पर क्यूबिक मीटर होता है मैमस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है शेप ऑफ आरबीसी बाई कनकेव होता है दिस इज रेड बिकॉज द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट हीम पार्ट इज अ आयरन ग्लोबिन पार्ट इज अ प्रोटीन काउंट के बारे में बात करें तो करीब बारह से सोलह ग्राम पर डे लीटर होता है इन एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ़ ब्लड हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्परेटरी गैसेज लाइफ स्पेन ऑफ आबिसी इज़ अप्रॉक्स वन ट्वेंटी डे वन ट्वेंटी डेज और ये स्प्लिन पे जाके मर जाते हैं क्योंकि स्प्लिन में बहुत ही पतली पतली आर्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे फंस जाते हैं उनकी फ्लैक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी अगर ख़त्म होगी तो वहाँ पर मर जाते हैं देख और ग्रेवियार्ड ऑफ आबीसी यहाँ पे अगर हम बात करें फिर से द डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी के बारे में अगर हम बात करें तो दे दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन दे आर न्यूक्लिएटेड सेल काउंट अप्रॉक्स सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीमीटर डब्ल्यू बी सी दे है टू पार्ट्स मैन इस कॉल ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स दे हैव अ ग्रेनुलोसाइड एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स ग्रेनुलोसाइड में न्यूट्रोफिल और बेसोफिल होते हैं और एसनोफिल भी होते हैं और ए ग्रेनोसाइड में लिम्फोसाइड और मोनोसाइड भी पाए जाते हैं इसे याद करने का तरीका है लेवर नेट न, नेवर लेट मंकी ईट बनाना एम फॉर न्यूट्रोफिल एल फॉर लिम्फोसाइड एम फॉर मोनोसाइड ई फॉर स्नोफिल बी फॉर बेसोफिल न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं करीब साठ से पैंसठ परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी दे आर फेगोसिटिक इन सेल डिस्ट्राइ फॉरन ऑर्गेनिज्म एंट्रिंग इन टू द बॉडी फॉर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर होगा तो उसे डिस्ट्रॉय करेंगे स्नोफिल दो से तीन परसेंट होता है द आर इंपॉर्टेंट फॉर द डिस इन्फेक्शन एंड दे आर एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन द काउंट ऑफ स्नोफिल विल भी इंक्रीजेज आई जी ई की मात्रा बढ़ जाती है बेसोफिल काउंट पॉइंट फाइव टू वन परसेंट दिसरेटॉनिनपरिन देल्प इन इन्फ्लमेश रिएक्शंस बॉडी लिम्फोसाइड करीब बी से पच्चीसाइड एंड टी लिम्फोसाइड दे आर ए स्टोर इन साइड द बोन मेो एंड टी लिम्फोसाइड दे स्टोर इन साइड दाइमस प्लेटलेट ये मेगा कैर साइड से बना होता है विच इज स्पेशल सेल इन द बोन मैरोल काउंट करीब डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख

कि आर के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है और अंतर एंटीबॉडी होता है जो एंटीजन होता है यही डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप को तो अगर मान लीजिए एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा बी होगा तो बी होगा ए बी होगा तो ए बी होगा और कुछ नहीं होगा तो ओ होगा इसका ठीक अपोजिट एंटीबॉडी होता है स्मॉल बी ए का अपोजिट स्मॉल बी बी का अपोजिट स्मॉल ए इसमें नहीं होता है इसमें दोनों होता है वैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आई ए आई ए स्लैस आई ए स्मॉल आई बी को रिप्रेजेंट करेंगे आई बी आई बी स्ल स्म ओ को रिप्रेजेंट करते हैं आई ए और आई बी अच्छा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके कितने हैं तो चार हैं एक दो तीन चार और जीनो टाइप कैलकुलेट करेंगे तो आपको छ नजर आएंगे uh, ये ट्रांसफ्यूजन uh, में uh, एक रिएक्शंस uh, होता है इसे विनर्स uh, लॉ ने दिया था कि एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपियन और ये कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए ए वाला एक ए को ही दे सकता है यहाँ देख देख पा रहे हैं ए जो है एक से सिमिलर हो गया है क्योंकि तो ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है तो वेनसनों ने कहा कि एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपेंट तो ए वाला ए को ही दे सक स्मॉल uh, बी होना चाहिए ठीक है सिमिलर नहीं होना चाहिए ना ये सिमिलर है तो ये रिएक्शन हो सकता है सिमिलर नहीं होने चाहिए ब्लड ग्रुपों को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि एंटीजन एबसेंट होता है सर्फेस के ऊपर और ये इस टाइप के रिएक्शन पूछे जाते हैं कि अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है तो ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आई ए आई ए स्लैश आई ए स्मॉल आई बी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई बी आई बी स्लैस आई बी स्मॉल आई स्लैश के बाद वाली चीजों को कंसिडर करेंगे तो करेंगे तो पॉसिबिलिटी चारों टाइप के ब्लड ग्रुप होने की है आर एच फैक्टर भी कंसिडर किया जाता है दे आर डिस्कवर इन रिसर्स मैन की और आरबीसी के सर्फेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्लाज्मा प्रोटीन अगर होगा तो ब्लड पॉजिटिव होगा और अगर एक्स्ट्रा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा तो ब्लड विल बी नेगेटिव ठीक है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है तो देखिए आर नेगेटिव हो गया और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्लाज्मा प्रोटीन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आर पॉजिटिव हो जाएगा क्लिनिकल uh, फीचर है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दे आर नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल और एच पॉजिटिव फीटस अगर हो तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कुछ नहीं होगा बट फर्स्ट डिलीवरी में जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो बच्चे का जो आर एच पॉजिटिव ब्लड है वो कंबाइंड uh, होगा मदर से और मदर की बॉडी उसके अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगी तब तक बच्चा निकल चुका होगा बट सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो उसके खिलाफ जो आर एच पॉजिटिव तो आर एच पॉजिटिव ही रहेगा तो उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं जो आराम से प्लेसेंटा के थ्रू अंदर जाएंगे और उस बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे पहुँचाएंगे सीवियर एनीमिया हो जाएगा और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है तो ड्यूरिंग तो तो द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मेटर्नल ब्लड इन टू द स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ आर एस पॉजिटिव ब्लड एंड सच केसेज द मदर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एस पॉजिटिव सेकेंड प्रेगनेंसी में यही एंटर हो जाता है और उसको सीवियर एनीमिया जॉन्डिस और डेथ ऑफ फिटिस भी हो सकता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड इसके अंदर बहुत सारा कैस्केट प्रोटीन काम करता है तो ये वाला स्लाइड देखिए सबसे पहले फाइब्रोनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है प्लाज्मा के अंदर थ्रोमिन की वजह से वो फाइब्रीन में कन्वर्ट होगा दिस फाइब्रीन थ्रोमिन की वजह से फाइब्रीन में होगा बट आखिर ये थ्रोम्बिन आया कहाँ से तो यहाँ पे नीचे देखिए कि ये प्रोथ्रोम्बिन है दे दे कन्वर्टेड इनटू द तो थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोमोकाइनीज एंड दिस प्रोथ्रोम्बिन इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन इनटू द फाइब्रिन ये फाइबरिन मैश बनाएगा ये फाइबरिन मैश बनाएगा और जिसके अंदर से सारे ब्लड फंस जाएंगे देख पा रहे हैं आप ये फाइबरिन मैश बन जाएगा जिससे ब्लड के सेल्स फंस जाएंगे इंटेंगल हो जाएंगे फर्दर ब्लड लॉस होना बंद हो जाएगा नाउ वी हैव अ लिम्फ लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूड कहते हैं जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो लिम्फ के अंदर जाती हैं Uh, जहाँ जहाँ आर्टरीज नहीं पहुँच पाती वहाँ वहाँ लिम्फ पहुँचते हैं और ये एक तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं लिम्फ इज कलरलेस क्योंकि डब्ल्यू बी सी नहीं होता है एंड दे हैव स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी लिम्फ इज ऑल्सो टू कैरियर ऑफ न्यूट्रेंट एंड हॉर्मोन एंड फैट आर एबजॉर्ब थ्रू द लिम्फ येलेंट दे आर प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई विलाई इंटेस्टाइनल नाउ वी हैव अ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम Origin के बारे में बात करें तो uh, mesodermal in origin situation, और पे होता है अच्छा जो हमारा हार्ट होता है वो मसल से मिलके बना होता है और चारों तरफ जो वॉल से कवर होता है दे आर कॉल्डियम फ्लूड पेरिकार्डियम और उसके अंदर जो फ्लूड होता है पेरिकार्डियम होता है एट्रिया ऊपर वाले स्मॉल चैम्बर होते हैं छोटे होते हैं दो एट्रिया आपस में डिवाइड होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम में यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन ओपन होगा ठीक है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन नो आर्टरी दस अ वेन एक्सेप्शन है आ, ये कैरी ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन कैरी करेगा यहाँ पे ऊपर है सुपीरियर वे निकावा राइट एट्रिया में ऊपर के साइड में सुपीरियर वे निकावा दे रिसीव द डी ब्लड फ्रॉम दोज पार्ट विच इज प्रेजेंट अबव द हार्ट और इन्फीरियर वे निकावा ये नीचे से मतलब पेट और पैर से सारे डिऑक्सी ब्लड को कैरी करेगा एट्रिया सबसे पहले ऐसे नोट से काफी प्रश्न पूछा जाता है दे आर ऑन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं करीब सत्तर से पचहत्तर पर मिनट ये बीट जनरेट करता है जिसे रिदम मेंटेन होता है इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं एवी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम पे होता है वेंटिकल्स काफी बड़े होते हैं दो वेंटिकल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है इंटर वेंटिकुलर सेप्टम के कहा कहे है जाते हैं यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंटिकल्स के बीच में बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व होता है वॉल्व का मतलब बैक फ्लो को रोकना है एक बार एट्रिया से वेंटिकल्स में ब्लड आ जाएगा तो वेंटिकल्स से एट्रिया में ना जाए तो ये वॉल्व का काम होता है और ये इंपॉर्टेंट है यही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे ट्राइक है राइट एट्रिया से राइट वेंटिकल ट्राइक स्पीड दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंटिकल दे आर गार्डेड बाई कॉडा टेंडे पूरे वेंटिकल्स में परकंजी ऑफ परकंजी फाइबर और, और बंडल हिस होता है ताकि पूरा मैसेज जनरेट होता है कि वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट हो और पूरा का पूरा ब्लड जो है पूरे बॉडी में जा पाए नाउ वी हैव अ कार्डिक साइकिल सिस्टोल को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं डायस्टोल को रिलैक्सेशन कहते हैं आर से याद कर सकते हैं कार्डिक साइकिल का होता है ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा कि एट्रिया और वेंटिकल दोनों ही डायस्टोल मतलब रिलैक्स रहेंगे एट्रिया रिलैक्स रहेगा वेंटिकल भी रिलैक्स रहेगा एट्रियल सिस्टोल में अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय वेंटिकल रिलैक्स होगा और फिर उसके बाद वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सारे चीज है अब देखिए ज्वाइंट uh, डायस्टॉल में क्या होगा अब ज्वाइंट uh, डायस्टॉल में अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ज्वाइंट डायस्टॉल में क्या होगा कि यहाँ से पलमनरी वेन है जो ऑक्सीजनेट ब्लड लेके आएगी ठीक है यहाँ सुपीरियर वेने कहा इन्फीरियर वेने कहा डी ऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ पर लेके आएगी ये अपने आप ब्लड ड्रेन होगा इसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है करीब सब सत्तर परसेंट ब्लड अपने आप ही ड्रेन हो जाता है फिर उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रियल सिस्टोल है तो एक्टेरियल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे नोड ने मैसेज दिया होगा तभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें थर्टी परसेंट जो ब्लड है वो फिर वेंटिकल्स में आ जाएगा अब उस समय वेंटिकल रिलैक्स हो रहा है और अब वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर जो ब्लड आया हुआ है तो यहाँ से आयोटा निकलता है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो लंग्स में जाती है और आयोटा जो है पूरी बॉडी में सप्लाई करती है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और इसमें डी ब्लड जाएगा जो डी जाएगा फिर से ऑक्सीजनेटेड होगा फिर से आ जाएगा और ये पूरी बॉडी में सप्लाई होगा तो ये पूरा कार्डिक साइकिल है जो कि मैंने आपको बता दिया है एक स्ट्रॉक वॉल्यूम होता है ईच पंप आउट अप्रोक्स सेवेंटी एम ऑफ ब्लड तो कार्डिक आउटपुट कैसे निकालेंगे स्ट्रॉक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट स्ट्रॉक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट सेवेंटी इंटू सेवेंटी टू अप्रॉक्स फाइव जीरो फाइव जीरो फोर जीरो ये करीब पाँच लीटर आएगा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट ईच वेंटिकल पर मिनट हार्ट साउंड के बारे में बात करेंगे तो लव एंड ड लव इज द क्लोजर ऑफ ट्राइक स्पीड एंड बाइक स्पीड दे आर लाउडर इन नेचर दे कंसिडर द फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड एस वन याद रखिएगा हार्ट साउंड में दोनों में क्लोजर ही होगा यहाँ पे देखेंगे डब में ये सेमिल्यूलर वॉल्व जो वेंटिकल uh, से निकलता है तो यहाँ सेमी सेमीन्यूरल बल्ब होता है ताकि ये बैक फ्लो फिर से ना आए तो ये क्लोजर होता है इसे एस टू कहा जाता है ई एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम हार्ट के एक्टिविटी को नापते हैं हम डायरेक्टली एट्रिया के और वेंडिकल के कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्सेशन को तो नहीं नापते हैं बट येस जो मैसेज डिलीवर होता है जो इम्पल्स जनरेट होता है वही इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलेक्शन कराएगा उस इम्पल्स को मेजर करते हैं तो दे हैव अ

डीऑक्सीजन ब्लड हार्ट में गया फिर इससे लंग्स में जाए तो आप देख पा रहे हैं हार्ट में दो बार ब्लड की एंटर हो रही है एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है और एक डी ब्लड एंटर हुआ है देफोर दे आर कॉल डबल सर्कुलेशन कार्डिक एक्टिविटी को कैसे मैनेज करते हैं तो हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है ऑटो रेगुलेटेड है तो दे आर ऑटो रेगुलेटेड नूडल्स इट ह्यूमन हार्ट इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम मतलब कुछ कुछ इफेक्ट करता है न्यूरोजेनिक दे आर रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम लोअर एनिमल्स में देखा जाता है डिसऑर्डर में हाई ब्लड प्रेशर अगर 120 सौ बटा अस्सी नॉर्मल है बट अगर एक सौ चालीस बाई नाइन्टी हो जाए तो आपका हार्ट बहुत तेजी से ब्लड फेंक रहा है और बहुत तेजी से ब्लड फेंकेगा तो आपका किडनी खराब हो सकता है ब्रेन में स्ट्रॉक आ सकते हैं आँख खराब हो सकता है तो हाइपर बहुत खतरनाक है प्रोलॉन्ग हाइपर टेंशन दे लीड टू द किडनी डिजीज और इससे मेंटेन कर सकते हैं दवाई से कंट्रोल uh, कैसे करेंगे ओबिसिटी डाइट ये सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एंड देयर इज द एथ्रो एस्क्लोरासिस के अंदर एक छोटे छोटे प्लैग बन जाते हैं दर इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू द ल्यूमन ऑफ आर्ट्र बिकम नैरो और नैरो ल्यूमन आर्ट्री में बहुत ही कम ब्लड जाएगा ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन हार्ट को बहुत uh, मतलब कि ऑक्सीजन हार्ट के मसल को बहुत कम मिलेगा और हार्ट में दिक्कत शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है कि जितना डिमांड है उतनाई नहीं मिल पा रहा है मतलब हो सकता है कंजेशन हो गया है या जो हो गया है तो हार्ट से इसे वर्क ही नहीं कर पा रहा है पंप नहीं कर पा रहा है स्लो डाउन हो गया तो स्क्रिटरी सिस्टम जो होता है बाय द डिफरेंट मेके लाइक एक्सेस इंजेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे शरीर में नाइट्रोजीनियस वेस्ट uh, हो बन जाते हैं और इस नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को हम बहुत लंबे वक्त तक स्टोर नहीं कर सकते हैं और जहाँ जिस ऑर्गन पे वो स्टोर होगा वो ऑर्गन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा इसलिए uh, हमें इसे बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो एनिमल एकोमुलेट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आयन लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम

Uh, metabolic wastage mm -hmm. CO2 and water they are produced during the cellular respiration and ammonia they are uh, the ammonia they are produced during the catabolic process now we have excretory products and eliminations the main excretory product is uh, main excretory organ is kidney and other than kidney they we have lungs which uh, remove the CO2 liver excrete bile pigment and excess cholesterol salivary gland excrete heavy metal drug like penicillin and its sweat skin uh, skin excret sweat ammonotelic the process of uh, excretion of ammonia is called ammonotelic ammonia is highly toxic so they do not store uh, for the long time to isko body se bahar nikalne ki zarurat padti hai aur ammonium ion mein body se bahar nikalta hai kon kon se example है जो कि आपको याद रखना चाहिए echinodermata mollusca starfish bony fish aquatic amphibian यूरिकोटेलिक द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक ये करीब वन लैख लेस टाइम टॉक्सिक होता है अमोनिया से और मैम्स लाइक ह्यूमन बींग टेरेस्टिल एम्फीवन मराइन फिशज बॉनी फिशेज इस सारे एग्जाम्पल है यूरिकोटेलिक और ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक एंड इट इज कॉल्ड दैट कॉल्ड यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड इज लीज टॉक्सिक सो इट कैन स्टोर इनसाइड द बॉडी फॉर द लॉन्ग थाइंग बर्ड्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट लैंड स्नेल्स द स्क्रीट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट ये uh, अलग अलग पेस्ट के फॉर्म में ये रिलीज करते हैं अलग अलग पेस्ट के फॉर्म में ये रिलीज करते, करते हैं राइट अलग अलग पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं हाँ इन्हें हा, बहुत ही कम मात्रा में पानी की जरूरत होती है <coughs> और इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक बर्ड्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट लैंड स्नेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स के एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको याद करने चाहिए फ्लैटवॉर्म प्रोटोनिफ्रीडिया ऑर्थोपोडा मालफिजिन टिब्यूज कर्स्टेशंस अंटेनल ग्रैंड ग्रीन ग्लैंड इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो मेन ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम है किडनी किडनी इज फाउंड डॉर्सल साइड मतलब पीछे के साइड होता है विच इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द थोरासिक वटेवरे टू द फर्स्ट एंड सेकेंड लम्बर वटेवरे तो थोरासिक वटेवरे से लंबर वटेवरे तक जाता है द राइट किडनी इज सिचुएटेड सिचुएटेड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिलो द लेफ्ट किडनी क्योंकि लेफ्ट में हमारा और uh, राइट right में हमारा लिवर होता है इसलिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है वो uh, इस डाइग्राम में देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है दिस इज द किडनी और किडनी के ऊपर एड्रिनिक ग्लैंड होता है और यहाँ से नॉच होता है इज़ कॉल्ड हाइलम हाइलम और hilum से एक पाइप निकलता है इज़ कॉल्ड यूरेटर यूरेटर एंड दिस दे ड्रेन द यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर से एक छोटा सा पाइप निकलता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं तो दिस इज हाउ लुक लाइक और इस किडनी के अंदर जो सप्लाई आती है वो रीनल आर्टरी से आती है और किडनी से कोई भी चीज बाहर भेजना होता है तो रीनल वेन से बाहर जा पाता है बाहर जा पाता है

थ्रू विज द यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व सेंटर इनर टू द हाइलम इज इस ब्रॉड फनल शेप विच इज़ कॉल्ड रीनल पैलविस विच इज कॉल्ड रीनल पेलविस ये रीनल पैलविस है जिससे रीनल आर्टरी रीनल वीन सब चीज़ जाता है यूरेटर वहीं से निकलता है और ख़ास बात इसमें देखिए ये है कि जो किडनी है एक कवरिंग होती है इस कवरिंग को हम कैप्सुल कहते हैं uh, कैप्सुल में पेन वगैरह भी होता है जो बहुत ही इरीटेटिंग होता है और uh, यहाँ से कैप्सूल से uh, जो ये मेडुलरी पिरामिड आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दिस तो कॉल्ड कॉटेक्स और इस कॉटेक्स में जो न, हमारे uh, न्यूरॉन uh, जो हमारे uh, नेफ्रॉन रहते हैं दे आर कॉल्ड कॉटिकल नेफ्रॉन फिर उसके बाद मेडुला शुरू हो जाता है और क्लियर एरिया है विच इज कॉल्ड हाइलम रीनल पैलेविसे कहते हैं तो कैप्सूल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीन कैप्सूल किडनी इज डिवाइडेड इनटू द टू जोन द आउटर जोन विच इज देविंग द कॉटेक्स और इनर जोन जो कि मेडुला के अंदर आता है नेफ्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनी फेरोस ट्रिब्यूज इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी दे अ टू पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, द ग्लोमुलस एंड रीनल ट्रिब्यूज स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉमन कैप्सुल और इस कप के अंदर बहुत सारा गुच्छा आता है ब्लड का गुच्छा आता है दिस गुच्छा इज कॉल्ड ग्लोमैरुलस ये बाउमन कैप्सुल है और जो गुच्छा है वो ग्लो है दिस इज़ एफरेंट आर जो कि अंदर आती है और गुच्छा बना के और बॉडी से ऐसे बाहर निकल जाती है दिस वन इज़ अ पी सी टी लूप ऑफ हेनले ये थिक पार्ट है दिस वन इज अ थिन पार्ट वासा रेक्टा फिर असेंडिंग पार्ट फिर uh, uh, फिर उसके बाद uh, जो असेंडिंग पार्ट है lay, DCT, uh, DCT, दिस इज़ अ लूप ऑफ हेनले दिस इज अ डी सी टी डी सी टी ये डी सी टी होता है और फिर हमारा कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो जाता है और कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो जाता है तो बाउमस कैप्सूल के बारे में बात करें द प्रॉक्सिमल क्लोज एंड ऑफ नेफ्रॉन इज डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाउम कैप्सूल पोडोसाइट एक यूनिक फीचर होते हैं जो कि क्लचर की तरह होते हैं बीच बीच में गैप होता है दिस गैप इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और ब्लड इससे फिल्टर होता है ब्लड इससे फिल्टर होता है सो एपिथीलियल सेल ऑफ बाउमन कैप्सुल्स आज पोडोसाइट विच इज़ अरेंज इन ए इंटेंसिक मैनर

ग्लोमैरोस विच इज एफरेंट आर्टियल अंदर आर्टरी आई और गुच्छा बन जाता है तो बाउमंस कैप्सूल और ग्लोमैरोस को मिला के मालफिजिन बॉडी और रीनल कर्पिक्यूज कहते हैं पीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले साल क्वेश्चन आया था तो दिस इज अ लाइन बाय द ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम जिससे इंक्रीज हो जाता है एरिया फॉर द रीअब्सॉर्बशंस री ऑब्जॉर्पन इनसाइड द पी सी टी इज नॉन सेलेक्टिव किसी चीज़ को भी uh, ये कर सकता है लाइक ग्लूकोज अमीनो आसिज सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर री थ्रू द पी सी टी इसमें तीन टर्म यूज़ किए जाते हैं वन इज कॉल्ड री एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन का मतलब फिर से एबजॉर्ब हो रहा है यानी ब्लड खींच रहा है कुछ भी चीज़ यानी नेफ्रॉन से यानी टिब्यूज से अगर कोई भी चीज़ ब्लड में जाए तो दे इज़ इसको री ऐब्जॉर्प्शन एक होता है सिक्रीशन यानी ब्लड जो है टिब्यूज़ को दे रहा है कुछ तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस दो चीज़ को ऐसे याद कर लेंगे तो सारा काम हो जाएगा रीअब्जॉर्बन मतलब नेफ्रॉन से कोई भी चीज़ ब्लड में जा रहा है और सिक्रेशन का मतलब है कि ब्लड कुछ सिक्रीट आउट कर रहा है ठीक है तो पी सी डी इज ऑल्सो हेल्प टू मेन्टेन द पी एच एंड आइनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी सेलेक्टिव सिक्रीशन सिक्रेशन का मतलब फिर ब्लड ने टिब्यूज़ के दिया है हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड पोटेशियम हाँ लूप ऑफ एनले लूप ऑफ एनले जो नीचे की तरफ आता है जो ऊपर से आता है वो थिक होता है फिर पतला हो जाता है फिर वासा रक्का बनता है फिर ऊपर जाता है पतला रहता है फिर थिक बन जाता है ठीक है तो कहाँ 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 क्या क्या, क्या चीज़ चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिसेंडिंग लिम्प थिक और थिन असेंडिंग लिम्प थिक और थिन इट इज द मोस्ट डेवलप डेवलप इन द मैमल्स फाउंड इन द मेटन एफ्री किडनी डिसेंडिंग पार्ट थिक और थिन दे आर परमिएबल फॉर द वॉटर ओनली इमपर्मिएबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इ क्वेश्चन आया हुआ है असेंडिंग लिम्प के बारे में बात करें तो दिस इज अ थि पार्ट इम्परमेबल फॉर द वॉटर ओनली थिक पार्ट इज इम्परमेबल फॉर द बोथ वॉटर एंड एन एस सी एल इन साइड द लूप ऑफ एन एनिम रीअबॉर्बशन इज टेक प्लेस एंड इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द हाई ऑफ स्मोलिटी देर एज अ कंसंट्रेट फिल्टरेट

हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया क्योंकि ब्लड में अमोनिया की ज़रूरत नहीं है ब्लड में बहुत ज़्यादा पोटेशियम की जरूरत नहीं हुई है।, है तो इसलिए वो सिक्रीट कर देता है टिब्यूज़ का दे देता है और टिब्यूज से यूरिन में बह जाता है द डक्ट ऑफ द मेनी नेफ्रॉन ओपन इन टू द स्टेट ट्यब्यूज विच इज़ कॉल कलेक्टिंग डाक और कलेक्टिंग डक इज़ अ लॉन्ग ट्यूब है ना और नीचे जब आएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज री एब्जॉर्ब का मतलब है कि ब्लड ने उसे खींच लिया है अब सोचिए कि अगर आप किसी भी चीज़ से पानी को खींच लेंगे तो जो सामान है वो गाढ़ा हो जाएगा समझ पा रहे हैं आप कि मान लीजिए कि मेरे पास दही है और दही बहुत गाढ़ी नहीं है तो मैंने कुछ पाइप वगैरह डाल के उसके अंदर से पानी खींच लिया तो दही गाढ़ी हो जाएगी तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में क्या है मतलब आई एम सॉरी कि ये सारे कंसेप्ट को मुझे डिटेल में समझाना पड़ रहा है बिकॉज दिस क्लास इज़ नॉट फॉर द डिटेलिंग एज पर से Uh, क्योंकि आपको ये सब चीज आता है और मुझे मुझे समझ में आता है कि आपको ये सारी चीजें आती हैं इसलिए मैं बहुत फास्ट तरीके से जाता हूँ और तभी कंप्लीट हो पाएगा फिर भी एक बार देख लेते हैं तो uh, अगर कलेक्टिंग डक्ट से रीऑब्जॉर्बन होता है है ना यानी ब्लड uh, ने बहुत सारे चीज पानी खींच लिया तो जो बचा होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो यहाँ देख रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअबॉर्ब बाय द ब्लड सो द कलेक्टिंग प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड होता है कलेक्टिंग रूल टू मेंटेन द पीएच एच एन बैलेंस ऑफ द ब्लड सेलेक्टिव ऑफ़ एच प्लस आयन प्लस आयन कलेक्टिंग डक ब्लड को भी कुछ दे देता है नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन

नाउ यूरी का फॉर्मेशन कैसे होता है तो यूरिन इन थ्री प्रोसेसरोलर फिल्ट्रेशन द सेकेंड इज कॉल रीअॉर्ब्शन एंड थर्ड इज कॉल्डन ग्लुमैरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बात करें द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरी फॉर्मेशन इज फिल्टन ऑफ ब्लड एट द गुमेर एंड देर कॉलुमेरुलर फिल्टरेशन अप्रॉक्स एलेवन हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड ब्लड इज फिल्टर बाई द किडनी पर मिनट विच कॉन्स्टिट्यूट रफली वन फिफ्थ ब्लड पंप बाय बाई वेंटिकल मिनट तो फिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और फिल्ट्रेशन तीन चीजों से होता है uh, पहला एंडोथीशियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द दिस टू लेयर्स और इनके थिकनेस बहुत ही कम होनी चाहिए तभी फिल्ट्रेशन होगा दर इज अ अंसेप्ट इज कॉल्ड जीएफ आर जी एफ आर इज ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट मतलब कितना फिल्टर हुआ है ब्लड के द्वारा कितना फिल्टर हुआ है ब्लड ब्लड में जो भी इम्प्यूरिटीज़ है कितना फिल्टर हुआ है फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज़ कॉल्ड जी एफ आर इट इज़ अप्रॉक्स वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट यानी एक सौ अस्सी लीटर एक सौ अस्सी लीटर यूरिन बन जाता है अब सोचिए कि अगर, अगर, अगर प्रोसेस नहीं होता रीऑब्जॉर्प्शन का तो सोचिए कि हम हमें बाथरूम में ही बैठना पड़ता है तो थैंक्स टू तो द री ऑब्जॉर्प्शन जिसका नाइन्टी नाइन परसेंट चीज़ें फिर से ब्लड खींच लेता है तो रीअबॉर्बेशन एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर डे इज वन एटी लीटर पर डे दैट्स यूरिन रिलीज अप्रॉक्स वन पॉइंट फाइव लीटर एक सौ अस्सी लीटर में सिर्फ यूरिन एक लीटर निकलता है बाकी का बाकी सीधा ब्लड के अंदर आ जाता है विच सजेस्ट द अप्रॉक्स नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ फिल्ट्रेट हैज बीन रीअबॉर्ब बाय द ब्लड और रीनल बाय ब्लड दे दे आर आर डन द एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम दे आर रीअब्जॉर्ब एक्टिव प्रोसेस ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए हमारे यूरिन में अमीनो एसिड नहीं जाना चाहिए यूरिन में क्योंकि हमारे लिए एजेंशियल है सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो एक्टिव प्रोसेस है फिर से ये ब्लड खींच लेता है नाइट्रोजन ये पैसिव प्रोसेस से आ जाता है रीअब्जॉर्ब तो हो जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है बाद में ब्लड को रियलाइज़ होता है तो ब्लड इसे सिक्रीट कर देता है सिक्रीट कर देता है है ना सिक्रीट कर देता है प्राइमरी यूरिन फिल्ट्रेट बाय पीसीटी सी यूजफुल सब्सन प्राइमरी यूरिन वही सेम यूरिन वाला कंसेप्ट है नाउ मेकेनिज्म ऑफ कंसनट्रेटेड कंसनट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट आखिरी ये कैसे बनता है दैट्स कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म काउंटर करेंट मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है दैट इज द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है और इस, इस इसके दौरान Uh, is my reabsorption mechanism, chal that's called counter current. So, mammal has the ability to produce a concentrated urine, mm, and the loop of Henle and Vasa recta play a very significant role in this flow of filtrate in the two limbs of loop of Henle is opposite direction, thus, they form the counter current mechanism. The flow of blood through the two limbs of Vasa recta is also a counter current pattern. काउंटर करेंट मैकेनिज्म हेल्प इन द मैंटेनिंग द इंक्रीज द ऑस्मोलारिटी टू और द इनर मेडूला अप्रोक्स थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोन टू द टेल्व हंड्रेड मिली ऑसमोन द चेंजेज ऑफ ऑस्मोलारिटी इज ड्यू टू द एन एस सी एल इन यूरिया आप देख पा रहे हैं ये नीचे की तरफ यहाँ पे थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड द सिक्स हंड्रेड ये ऑस्मोलारिटी बढ़ती जा रही है और फिर ऑसमोलारिटी घटती जा रही है तो घटे घट गट क्यों रही है क्योंकि NACL इससे बाहर जा रहा है यानी हो रहा है तो मलारिटी घट जा रही है यही काउंटर करेंट मैकेनिज्म हेल्प इन इजी वाटर एज अ कलेक्टिंग इंट्रीब्यूस और यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है नामिक्सोरेशन मिक्स्यूरेशन का मतलब होता है कि यूरिन को डिसार्ज करना बॉडी से बाहर निकालना तो ये यूरेटर है जिससे यूरिन आया और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू हुआ यूरिनरी ब्लैडर के में नीचे देखेंगे जहाँ से यूरेथ्रा शुरू होता है यहाँ पे यूरेथरल स्पिंचर रहते हैं ताकि यूरिन को बाहर ना जाना दे है ना अगर ये स्पिंचर नहीं रहेगा तो यूरिन टप 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 है ना बताया रहे हो किसी से यूरिन निकलता रहेगा कितना गंदा लगेगा तो यूरेथ्रल स्पिचर इसे रोक देता है तो यूरिन यहाँ पे इकट्ठा रह रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि एक सफिशेंट अमाउंट में यूरिन इकट्ठा हो गया तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन को चुगली कर देंगे बाय द सेंसरी नर्व सी एन सी सेन, को भेज देंगे आ, जैसे ही सी एन एस के आ, को भेजेंगे तो जैसे सी एन एस को भेजेंगे आ, स्वीटी नाइस डी पी बेटा हाँ डी पी ही देखो तुम तुम नीट में अपना नंबर नहीं देख पाओगे नीट में तुम अपना नाम नहीं देख पाओगे दित्ता सीयूटी का डीपी देखो बात बहुत बढ़िया यही ही रह गया है बेटा जब तक टेस्ट्रोन एस्ट्रोजन पे कंट्रोल नहीं होगा ना तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे पता नहीं क्या बन पाओगे तो सेंसरी नर्व्स ये मैसेज भेजेगा और सेंटर नर्वस सिस्टम को और सेंटर नर्वस सिस्टम जो होता है ये मोटर नर्व से भेजेगा और मोटर नर्व इस यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा जैसे यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा साथ में यूरेथरल को रिलैक्स करेगा ताकि यूरिन जाए अब मान लो कि इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो यूरिन जाएगा ही नहीं तो मिक्चुरेशन में आपको समझना चाहिए कि यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यूरेथ्रल स्पिंजर रिलैक्स हो रहा है ताकि यूरिन बाहर से निकल जाए तो यूरिन इज फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर मतलब लोग डीपी कैसे लगाते हैं तरह तरह के फिल्टर लगा लेते हैं और वो तुम लोग आकर्षित हो जाते हो ऐसे ओरिजिनल पाया नहीं जाता ऐसे वस्तु यूरिन फॉर्मड इन द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरियड आउट टू द यूरिनरी ब्लड व द टू इज द वॉल्ट्री सिग्नल इज गिवेन बाय देंटन सिस्टम सिग्नल इज इनिशिएटेड सिग्नल इज इनिशिएटेड सिग्नल इज इनिशियड बाई स्ट्रेचिंग हाँ बेटा लाइव है सिग्नल इजीशियर ऑन द सेंड अ सिग्नल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास और मतलब यूरिन रिलीज कर देता है एक से डेढ़ लीटर तक यूरिन रिलीज होता है क्या करेक्टरिस्टिक है लाइट येलो होता है एसिडिक होता है करेक्टरस्टिक ऑर्डर होता है 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है इससे क्वेश्चन आया हुआ है हीमोडायलिसिस अगर किडनी ख़राब हो जाए तो हीमोडायलिसिस करते हैं जिसमें एक मशीन के सहायता से पेशेंट के पेशेंट से एक यहाँ पे कैनोला लगा के कैनोला मतलब नेडल लगा के और मशीन में डालते हैं और मशीन जो होता है उसमें एक्सेस जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसे फिल्टर आउट करके और उसी का ब्लड प्योरीफाई करके चढ़ा देते हैं डिपेंड करता है किडनी कितना खराब है और कितना समय ये लगेगा रीनल स्टोर पत्थर हो जाता है किडनी के अंदर अगर ये पत्थर पाँच एम एम से कम हो तो ये फोर्स डायरोसिस होता बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है अगर वो पाँच मीटर एमएम से ज़्यादा हो तो एक छोटा सा माइन्यूट ऑपरेशन होता है उसे ठीक किया जा सकता है ठीक है इसे पहचानते कैसे हैं एक्सरे से पहचान सकते हैं और अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी से पहचान सकते हैं दैट्स ऑल स्टार्ट विद द लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो व्हाट इज अ लोकोमोशन द चेंज इन द प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन अगर हम uh, एक जगह से दूसरे जगह अगर अपने अपने लोकेशन को बदलेंगे उसी को हम लोकोमोशन कहते हैं वॉकिंग रनिंग फ्लाइंग स्विमिंग ये सारे लोकोमोटरी मूवमेंट है जिससे हम लोकेशन को बदल सकते हैं मूवमेंट इन लोकोमोशन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ़ लिविंग बींग्स एक सिग्निफिकेंट फीचर है ह्यूमन बींग कैन मूव लिम्स जॉ आई लिड टंग हम सब इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं पैरामीशियम क्या करता है सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड through the cytopharynx and uh, locomotion as well hydra use a tentacle for the capturing the prey and also then the locomotion bahut sare type of movement hote hain that is amoeboid movement hamare body ke jo phagocytic cells hote hain macrophages hote hain ye bhi phagocytic uh, amoeboid movement ki tarah hi kaam karte hain yahan pe pura ka pura iske cytoplasm साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और ये नीचे की तरफ ड्रेन होता है आगे की तरफ ड्रेन होता है जैसे वो drain होगा तो ये लुढ़क लुढ़क का मूवमेंट करता है एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सीडोपोडिया सीडो मींस फॉल्स पोडिया मीन्स पैर तो ये आराम आराम से मूवमेंट करता है सम स्पेशलाइज सेल इन आर बॉडी दैट इज कॉल्ड माइक्रोफेज लिकोसाइड इन ब्लड मूव लाइक एम एवॉइड मूवमेंट इट इज अफेक्टेड बाय द सीडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स माइक्रो फिल्मेंट सिलेरी मूवमेंट हमारे ट्रैकिया के अंदर सिलियरी मूवमेंट होता है जैसे हम डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं वहीं पे अंदर अंदर तक जाने नहीं देते हैं देकर इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइन बाय द दिलीथिलियम द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द द्रैकिया हेल्प इन द मूविंग रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉर इनहेल अलॉन्ग विदमोस्फेरिक एयर राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट पैसेज ऑफ ओवा फिलोपिन ट्यूब में भी सिली मूवमेंट होता है Uh, ताकि ओवा थोड़ा सा पास uh, आगे की तरफ मूव कर सके फिर रेस्फॉर्म आएगा उसे फर्टिलाइज करेगा ना मस्कुलर मूवमेंट मसल के हेल्प से स्केलेटल के मदद से मूवमेंट uh, होती है मूवमेंट ऑफ आर लिम्स जॉट अंग सेक्टर रिक्वायर्ड ऑफ मस्कुलर मूवमेंट कंट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स इज़ इफेक्टिवली यूज फॉर द लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट सो वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ लोकोमोशन हमें कहीं जाना है लोकोमोशन करेंगे फूड uh, की तलाश में बचने के जगह को ढूंढने के लिए फाइनिंग मीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम predators, सर्चिंग द सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड एंड माइग्रेशन मसल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मसल इज़ ए स्पेशलाइज टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जर्म लेयर मिजोडम दे आर मेड अप ऑफ ए स्पेशलाइज सेल दैट इज कॉल्ड माईसाइड दे आर बाउंडेड बाई टूगेदर बाय दटिव टिशू टू फॉर्म द मस्कुलर टिश्यू यूनिक प्रॉपर्टी मसल का क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक्साइटेबिलिटी इलास्टिसलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी चालीस से पचास परसेंट हमारा पूरा शरीर का जो वजन होता है वो मसल के वजह से ही होता है मसल जो होता है इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो मसल ये चारों तरफ से कवरिंग होती है इसकी एंड दिस कवरिंग इज कॉल दिस कवरिंग इज कॉल सार्को लीमा दिस कवरिंग इज कॉल सार्कोलीमा और ये आप छोटे छोटे सेल्स इसके अंदर देख रहे हैं दे आर कॉल्ड मसल सेल्स और ये जो बंडल बनता है जैसे बीड़ी का बंडल देखें है ना तो ये जो छोटे छोटे बंडल्स हैं, मसल बंडल, और इसके अंदर मसल सेल होते हैं पेरी माइसियम यहाँ देखिए जरा ये पूरा का पूरा ये बीडी जब खरीदते हैं तो बीड़ी का बंडल होता है उसमें एक जो बीडी होती है तो एक ये वाला हमारा मसल सेल होता है मतलब एक मान लीजिए बीडी एक बीड़ी है ये दूसरी बीडी है ये तीसरी बीडी है और ये बंडल बनता है तो ये मसल का एक बंडल है इसे हम पेरी माइसियम कहते हैं आउटर कवरिंग इसके, इसके इसके अंदर हमारा मसल सेल है है ना दिस इज मसल फाइबर और मसल सेल इसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स चारों तरफ होते हैं जो मसल को न्यूट्रिशंस और कोर्डिनेशन प्रोवाइड करें और पूरे बंडल है ना पूरे बंडल को हम एपी कहते हैं तो मसल फाइबर आर पैरलर टू ईच अदर इन द फैसिकुलस एंड सराउंडेड बाय द कनेक्टेड टिश्यू इज कॉल्ड एंडोमाइसियम मसल बंडल आर फर्दर बाउंडेड टुगेदर बाय द कॉमन कॉलाजीनियस शीट इज कॉल्ड फेसिया आ, आप फर्स्ट ईयर एम बी में जाएंगे तो फेसिया वगैरह का डाइसेक्शन करेंगे टेंडन टू एंड ऑफ मसल्स आर अटैच टू द बोन विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन मसल टू बोन अब टाइप ऑफ मसल के बारे में बात करते हैं so there is a skeletal muscle there is a skeletal muscle and a, <coughs> a skeletal muscle is striated muscle is striated or voluntary muscle in hi hai. these muscles are attached to the skeletal component of the body and primarily involved in the locomotory actions change in the body posture change in the body posture so due to the striations appearance of the muscle fiber these muscles are called striated or striped muscle दे आर वॉलेंट्री नेचर कंट्रोल ऑफ द एनिमल बिंग अपने अपने अनुसार इसे कंट्रोल कर सकते हैं मसल ऑफ द हाइडलेम फोरलेम बॉडी वॉल टांग फेरिंग्स में पाया जाता है स्मूथ ऑल और नॉन स्ट्रेटेड और नॉन एस्ट्रेप्ट और इन वॉलेंट्री मसल दे आर एलोंगेटेड स्पिंडल शेप ब्रॉड फ्रॉम द मिडल ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में ये ब्रॉड होते हैं मिडल वे और इसकी एंड टैपर होते हैं पतले होते हैं दे डू नॉट है अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड इन देअर मसल फाइबर होता है स्टमक इंटेस्टीन लंग्स यूर ब्लैडर में पाए जाते हैं कार्डिक मसल दिल का मसल इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनवॉलेंट्री है. होते हैं अपनी इच्छा से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जे जनरेट ऑन इम्पल्स फॉर द एक्साइटेशन और ये रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्सेशन को मेंटेन करते हैं दे हैव अ हाई नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, तो इसलिए इनमें फोटिकनेस बहुत ही कम देखी जाती है अगर हम मसल को बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको सार्कोलिमा नजर आएगा मसल फाइबर इज कवर कॉल्ड सार्कोलीमा देन साइ सार्कोप्लाज्म जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे मसल के अंदर सार्को प्लाज्म होता, uh, होता है तो सार्कोलिमा विच इज द मेरी न्यूक्लिया माओफाइब्रिल द मसल सेल कंटेन दैरली अरेन्ज मायो फाइब्रिल विच अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड द डार्क द डार्क बैंड प्रेजेंट इन द मायोफाइब्रिल इज कॉल्ड ए बैंड जो इसमें डार्क नजर आएगा उसे ए बैंड कहते हैं ए का मतलब होता है एन एनआईसोट्रॉपिक बैंड और जो लाइट बैंड होता है उसे हम आई बैंड कहते हैं अब ए बैंड के बीच बीच से जो लाइन जाती है द सेंटर ऑफ ए बैंड इज कॉल एच बैंड और हेंसन जोन कहते हैं द डार्क डार्क एम लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ एच एच बैंड एंड लाइट आई बैंड कंसिस्ट ऑफ द डार्क लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ जेड लाइन तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जो पास होता है आप देख पा रहे हैं इस डाइग्राम के माध्यम से अब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी दो तीन तरीक़ों से होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी दो तीन तरीकों से एफेक्टिवनेस uh, में आती है पहला पहला चीज़ होता है कि uh, पहला चीज़ होता है दैट इज कॉल थिक मायोफाइब्रिल दे आर मेड अप ऑफ पोलमराइज प्रोटीन कॉल मायोसिन। मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल मीरोसिन पोलमराइज टू फॉर्म मायोसिन प्रोटीन हैज़ अ टू पार्ट द ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म टेल ग्लोबलर हैड अलॉन्ग विदर्ट आर्म कॉल दी मीरोन टेल इज कॉल लाइट मेरोन दट इज एल एम एम एल एम एम राइट द ग्लोबलर हैड हैज साइट ऑफ बाइंडिंग द एक्टिन एंड ए टी पी एंड ग्लोबलर है ए टी पी एनजाइन ये ये यहाँ पे हाइड्रोलाइज यहाँ पे ए टी पी बाइंड होगा और ये टील है दिस इज अ टेल थिन में तीन चीजें आती हैं एक्टिन ट्रोपोमायसिन ट्रोपोनिन बस नाम नाम याद रखिएगा पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है मैकेनिज्म और मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी धीरे धीरे मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और अगर इन्हें इम्पल्स वगैरह मिलता है तो ठीक है तो यहाँ पे फ्लो चार्ट से इसे समझ सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द मोटर नर्व एंड व्हेन द इम्पल्स रीचेस टू द एग्जोन टर्मिनल विच इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन वैसिकल जो इनके अंदर वेसिकल्स हैं इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो सिक्रीट होंगे और फ्यूज हो मतलब आपस में पहले प्लाज्मा में में से फ्यूज होकर फिर न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होंगे आफ्टर द फ्यूजन विद द एक्न मेम्ब्रेन इन रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज सेटाइल कोलिन द ट्रेवल थ्रू दिक क्लेफ्ट एंड जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलीमा एक्शन पोटेंशियल स्प्रेडेड टू सार्कोलीमा इज टी टिब्यूज एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन टू द and increase the calcium concentration in the sarcoplasm they start the uh, filament slide and decrease the turn of the sliding process so ye process ye aur chote form mein dekhenge to agar aapko kisi bhi muscle ko aap agar nerve impulse dete hain to sarcoplasmic reticulum aayega release of calcium ion cross bridges formation एक, uh, actin and myosin complex aayega muscle का contraction हो जाएगा। all or none principle क्या है? कि अगर किसी मसल को कंट्रैक्ट करना है तो कितना मतलब कितना आप उसे स्टिमुलस दें जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उससे ज़्यादा अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा सो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू कॉजेज द कंट्रेक्शन ऑफ द मसल फाइबर ब्रिंग अबाउट द मैक्सिमम कंट्रैक्शन एंड नो फर्दर इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन वुड बी द अकर बाय द इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस मसल फटीग अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रॉन एक्सरसाइज करते हैं मसल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो द लैक्टिक एसिड डिपोजिट इन द मसल एंड द कॉज ऑफ द मसल क्राम एंड मसल फटीग तो लैक्सिक एसिडलेट इन मायोसाइट्स और फिर ये लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू लिवर में जाता है और उससे ग्लूकोज न्यूजेसिक होता है मतलब ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट के लैक्टिक एसिड से रिंगर मोटिस एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ बॉडी आफ्टर द डेथ डेथ के बाद बिल्कुल बॉडी टाइट हो जाती है डेट इज रिंगर मोटिस नाउ वी हैव स्केलेटर सिस्टम स्केलेटर सिस्टम इज यूज फॉर द सपोर्टिव प्रोटेक्टिव एंड ज्वाइंट फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड वी वी हैव टू टाइप ऑफ स्केलेटर सिस्टम अगर बीच बीच में जो बोन आए उसे हम एक्जेल कहते हैं और हाथ पैर जो आए उसे अपेंडिकुलर कहते हैं टोटल हमारे 206 हड्डी होती है एक्जेल में हमारा स्कल आता है ट्वेंटी बोन वर्टेबरल कॉलम भी आता है 26 और, रिब्स और 24 में बोन बोन में 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 होते 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 हैं. में बोन होते हैं. में MIS, Incus, 3, 3 बोन होते हैं. आठ तीन तीन दो कान होते हैं छह बोन हो गए हाईड यहाँ गर्दन में शेप बोन होते हैं अब हम अपेंडिकुलर पे आ जाते हैं हाथ और पैर अपर लिम मतलब हाथ तो हाथ में सबसे पहले क्लाविकल फिर यहाँ पे एक, एक एस्कैपुला होता है है ना स्कैपुला होता है ह्यूमरस एक होता है फिर ये अंगूठे के साथ में जो बोन होता है उसे हम रेडियस कहते हैं ये लिटिल फिंगर के साथ अलना फिर मेटाकार्पल कार्पल पाँच फिर फलेंजेस हमारे चौदह होते हैं टोटल अगर हा, एक हाथ में काउंट करें तो सिक्सटी दोनों हाथ में काउंट करें तो सिक्सटी फोर अब हम लोअर लिम्स में बात करें तो हिप बोन दो होते हैं फीमर दो होता है दो पैर हैं हमारे पटेला जो नी कैप होता है वो तो उसे दो कहते हैं टीबिया जो आगे की तरफ होता है वो दो होता है फिबुला दो होता है टारसल यहाँ पे कार्पल होता है यहाँ पे टार्सल होता है चौदह होता है मेटा टार्सल पाँच और फिलेंजस चौदह सिक्सटी टू थोड़ा पैर में कम होता है दो बोन स्कल में देखते हैं तो आठ बोन होते हैं क्रेनियम फरंटल पैराइटल टेम्पोरल ओसिपोटल स्पाइनल एथेमोइड पीसीएल में चौदह बोन होते हैं डायरेक्ट नंबर याद कर लीजिए नंबर से ही क्वेश्चन आता है बट अगर आप बोन का याद करना चाहते हैं नेजल मैगजलाइमेटिकल और हाइडोन यू शेप होता है एक होता है गर्दन में होता है वर्टेबर कॉलम टोटल हमारे ट्वेंटी सिक्स होते हैं स्टार्ट होता है नेक के नीचे से वर्टेबरल फॉर्मा सी सेवन एस ट्वेल्व एल फाइव सी वन एस वन होता है ना ये वाला नहीं करना वट कॉलम का काम क्या है कि बॉडी को बॉडी वेट को ट्रांसफर करता है अगर आप हेड पे कुछ चीज़ ले रहे हैं तो उसको भी एलोकेट करने में मदद करता है स्टर्नम जो होता है इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं तीन चार पार्ट होते हैं इसे क्वेश्चन भी मैंने एक बार मॉक टेस्ट में कराया था मैन्यम बॉडी और एज प्रोसेस जो नीचे की तरफ होता है रिप्स टोटल हमारे बारह पेयर होते हैं बाईस सेफेलिक होते हैं इसके दो हेड होते हैं एक नीचे पीछे से हेड आता है जो वर्टेब्रल कॉलम से निकलता है और स्टर्नम से आके हाईलिन काटले से जुड़ जाता है ट्रू रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेवन पेयर एक से सात तक ट्रू रिप्स होता है फॉल्स रिप जो होता है वो एट नाइन टेन होता है और फ्लोटिंग रिप एलेवन और ट्वेल्व होता है डायरेक्ट नंबर आता है फॉल ट्रू रिप्स का मतलब होता है कि जो वटेब्रिल कॉलम से निकले और जाके सीधे स्टर्नम से हाईलिन काटले से जुड़ जाए फॉल्स रिप जो होता है ये सेवन से जुड़ता है मान लीजिए सेवन है तो एटवा एट इसके साथ हो जाएगा नाइन इसके साथ आ जाएगा टेन भी इसके साथ आ जाएगा ये तीनों मिल के सेवन के साथ जुड़ जाएंगे फ्लोटिंग रिप्स निकलते तो हैं वो डब्ल्यूड कॉलम्स है, है बट जुड़ नहीं पाते हैं तो फ्लोट करते रहते हैं ठीक है स्केपला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं ठीक है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक्रोमिन प्रोसेस होता है प्रोसेस में मसल यहाँ पे अटैच होगा कोरोकोइड प्रोसेस होता है ग्लिनॉइड कैविटी होता है ग्लिनॉइड कैविटी जो होता है जैसे ये हमारा जो ये जो हमारा वो है ह्यूमरस है तो उसके साथ फिक्स हो जाता है तो शोल्डर जॉइंट इस ग्लिनॉइड कैविटी से ही बनता है पेक्टोरल और शोल्डर गर्डर यही जो मैंने बताया था वही है ये हमारा स्कैपुला है आप देख पा रहे हैं दिस इज अ ग्लिनॉइड कैविटी बहुत ही शैलो होता है छोटा होता है और हेड ऑफ ह्यूमर्स बहुत बड़ा होता है तो ये इसलिए हाईली मूवेबल ज्वाइंट होता है एक रोमेन प्रोसेस आपको नजर आ रहा है कोराक्वाइट प्रोसेस नज़र आ रहा है ह्यूमरस हाथ वाला बोन होता है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं और कार्पल में ये वाला कार्पल होता है आठ होता है ये आपको नाम याद नहीं करना है मेटा कार्बल पाँच और फैलेंजस चौदह होते हैं अब हैंड हैं नीचे की तरफ आ जाते हैं हम तो हैंडलिम में सबसे पहले हिप बोन इलियम एशियम प्यूबिस फिर आप देख पा रहे हैं इस बोन को ये आ, एलियम इश्यम प्यूबिस है, एलियम इश्यम प्यूबिस इधर भी एलियम इश्यम प्यूबिस और ये पूरा हिप बोन बनाता है यहाँ पे ये फीमर है जो लॉन्गेस्ट बोन होता है जो एसेटाबुलम से अटैच रहता है यहाँ पे नी कैप होगा पटेला फिर ये दिस इज टीबिया फ्यूबला मेटाटार्सल फेलेंस ये सारे चीज होते हैं तो यस ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं तो ज्वाइंट आर ए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वेयर द टू बोन्स आर आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट का मतलब आपस में यहाँ पे फिक्स हैं रुके हुए हैं ठीक है ऑन द ज्वाइंट दे आर एजेंशियल फॉर द मूवमेंट तीन टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं फाइबरस कार्टिलेजिनस और साइनियोबिल फाइबरस जॉइंट नॉन मूवेबल ज्वाइंट होते हैं कभी मूव नहीं करते हैं कार्टोलिजियस ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं जबकि साइनोबल जॉइंट जो होते हैं पियरली मोबेबल ज्वाइंट होते हैं इसके एग्जाम्पल देखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गॉडल इलेक्पॉइड और एंगुलर जॉइंट ज्वाइंट बिटवीन रेडियस एंड कार्पल हिंड ज्वाइंट नी ज्वाइंट पाइवोड जॉइंट एटलस और एक्सेस ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड सेडल ज्वाइंट बिटवीन मेटा कापल एंड थम तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर ज्वाइंट नॉन मोवेबल ज्वाइंट सूचर ऑफ स्कल सूचर होता है गम्फोसिस दांत वाला होता है और कार्टिलजी जॉइंट स्लाइटली मूवोबल जॉइंट वरल कॉलम एक्सटर्नल प्यूबिक सिंफाइसिस के एग्जाम्पल है सैन्योबल जॉइंट में सान्योबल फ्लूड होता है इसलिए इसमें मूवमेंट ज्यादा देखा जाता है अब कुछ बीमारी देखते हैं तो फर्स्ट इज माइस्थीनिया ग्राविस ए ऑटो इम्यून डिसिऑर्डर होता है जिससे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं और हमारे स्केल्टल मसल को ख़राब कर ले रखते हैं और पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है पहले फेस से स्टार्ट होता है फिर चेस्ट की तरफ चला जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रॉफिन नहीं बन पाता है और डिस्ट्रोफिन नहीं बनने के कारण डिस्ट्रॉफिन इज अ लार्ज प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ रॉड एंड कनेक्टेड तो ये हमारे जो स्केलेटल मसल है काफ़ी वीक हो जाता है टिटीनी रैपिड रिस्पॉन्स द मसल ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड अथराइटिस आइटिस मतलब इन्फ्लेन अगर कोई भी ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाए उसे अथराइटिस कहते हैं गाउट में क्या होता है यूरिक एसिड हमारे ज्वाइंट में इकट्ठे हो जाते हैं पेन विच इज कॉल्ड गाउट एज़-रिलेटेड डिजीज ओस्टियोमीस बोन पोरोसिस का मतलब छेद हो जाना वो बोन में छोटे छोटे पोल्स क्रिएट हो जाते हैं बोन वीक हो जाएगा इजी टू फ्रैक्चर हो सकता है क्यों होता है इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन लाइक एल्सिटोनिन डिफिशियंसी और कैल्शियम विटामिन डी एंड डिक्रीज द सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन जो पोस्ट मेनोपोज फीमेल पे देखा जाता है तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पता है कि जो ब्रेन होता है वो हमारे हर एक ऑर्गेन को कंट्रोल करता है और ब्रेन का कंट्रोल जो होता है बहुत ही फास्ट होता है सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द टू और मोर ऑर्गन इंट्रैक्ट एंड कम दैट्स इंट्रैक्ट एंड और उसके सारे फंक्शंस उसी के थ्रू होते हैं जैसे ऐसा समझ लीजिए कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगा ब्लड के थ्रू मिलेगा आप उसमें ब्लड का सप्लाई बढ़ेगी है ना उस ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे हाइपर वेंटिलेट करेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका बढ़ जाएगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी वहाँ पे सो so, देख रहे हैं कि इससे कितने ऑर्गन आपस में आ, आपस में अटैच हैं सो बाय दिस एक्टिविटी द लंग्स हार्ट एंड किडनी इन्वॉल्व न्यूरल कंट्रोल इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस वाइल द एंडोक्राइन जो हम आज चार बजे पढ़ेंगे वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करें तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज ऑफ हाईली स्पेसलाइज्ड सेल विच इज़ कॉल्ड न्यूरॉन एंड न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन अ लोअर इन्वर्टिब्रेट एग्जाम्पल द हाइड्रा इज कंपेयर टू द नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन इन इनसेट द ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद्बर ऑफ गैंगलिया एंड न्यूरल टिश्यू एंड वट एवर एट्स आर मोर डेवलप इन न्यूरल सिस्टम पूरे न्यूरल सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं सेंटर नर्वस सिस्टम एंड पेरेफरल नर्वस सिस्टम सेंटर मतलब ब्रेन पेरेफरी मतलब हाथ पैर में तो सेंटर नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरेफरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सिम्पथैटिक एंड पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम जब हम स्ट्रेस में रहते हैं जब हमें डर लगता है तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जब हम पैरासिम्पथेटिक जो होता है रिलैक्स uh, कंडीशन में पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है uh, सड्रो नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है पी में आफ्रेंट फाइबर ईफ्रेंट फाइबर आफ्रेंट का मतलब आना कोई भी ऑर्गन से अगर इम्पल्स या मैसेज या एक्शन पोटेंशियल या कुछ भी चीज़ ब्रेन के तरफ ब्रेन के तरफ जाए उसे हम आफ्रेंट फाइबर कहते हैं और ब्रेन से ब्रेन से कोई भी इम्पल्स ऑर्गन तक आए तो दैट इज कॉल्ड ईफ्रेंट फाइबर्स के द्वारा होता है दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे हैं दिस इज अ डेंड्राइट्स डेंड्राइड्स जो होते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं दिस इज अटोप्लाज इसके अंदर न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी और इसमें निजल ग्रेन्यूज होता है जो आया हुआ क्वेश्चन है निजल ग्रेन्यूज आर इरेग्युलर इरेगुलर ऑफ रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा विद अ न्यूमरस एज वेल एज फ्री राइबोसोम एंड पॉलिजोम नीट के लेटेस्ट ईयर में क्वेश्चन आया है ये पूरा का पूरा हमारा एक जोन है और इस एक जोन के ऊपर कवरिंग जो होती है इस कवरिंग का नाम है माइलिन शीट दे आर कॉल माइलीन शीट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइलीन शीट प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी विटामिन की जरूरत होती है विच विटाम इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइलीन शीट यस प्लीज यस दिन बी ट्वेल्व बी ट्वेल्व माइलीन शीट में ब्लैक ब्लैक कलर का देख रहे हैं तो दिस इज अवान सेल विच इज अ फिक्स माइक्रोफेसिस अगर किसी न्यूरोन में अगर कोई भी पैथोजन आता है तो उसे किल करने में मदद करेगा तो अल्टीमेटली द न्यूरोन इज कम्पोज ऑफ द थ्री मेजर पार्ट द सेल बॉडी डेंड्राइड एंड एक्सोन सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्स एंडल ग्रेन्यूज द इन्फॉर्मेशन और एक्न कंटेन द स्वान सेल्स ईच ब्रांचेज टर्मिनेट इन द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये बल्ब लाइक ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल सैनेप्टिक लॉ नोब और इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं टर्मिनेट इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल सनेप्टिक नॉब विच कंसिस्ट ऑफ सैनेप्टिक वेसाइकल एंड कंटेनिंग द कैमिकल कॉल न्यूरो ट्रांसमीटर इसे न्यूरो भी कहते हैं तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्जोन एंड डेंड्राइड्स द टाइप ऑफ न्यूरोन इज मल्टीपोलर न्यूरोन मल्टीपोलर न्यूरोन की तादाद सबसे ज्यादा होती है ब्रेन में लोकेटेड होते हैं वन एग्जोन एंड मोर टू और मोर डेंड्राइडर कॉटेक्स इसका एग्जाम्पल है यूनीपोलर न्यूरोन सेल बॉडी विद वन एग्जोन एक सेल बॉडी एक एक्जोन होगा इमरॉनिक स्टेज में पाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है बाईपोलर न्यूरोन वन एग्जोन एंड वन डेंड्राइड फाउंड इन द रेटीना देर आर टू टाइप ऑफ न्यूर वन इज़ कॉल माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड माइलिनेटेड में क्या होगा कि एक डायरेक्शन में मैसेज डिलीवर होगा बट अगर नॉन माइलीनेटेड होगा तो मैसेज इधर उधर फैल जाएंगे तो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे अगर हमें विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाती है तो हमारा जो न्यूरॉन होगा वो नॉन माइलीनेटेड हो जाएगा और उस पेशेंट को कभी भी चक्कर आ सकते हैं और कभी भी वो गिर सकता है तो इस ऐसे हम इसे समझ सकते हैं Uh, ये सारे क्वेश्चन हैं नाउ द वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन एंड एंड द रेस्टिंग स्टेज द रेस्टिंग स्टेज द न्यूरोन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स अगर कुछ भी अगर कोई बॉडी टच नहीं कर रहा है कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है तो uh, कोई भी न्यूरॉन कंडक्ट नहीं होता है अब देख पा रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन में uh, अंदर जो है एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है बट सोडियम नहीं आ रहा है क्योंकि सोडियम वाला जो चैनल है वो बंद है इसको याद रखना है कि रेस्टिंग स्टेज में अंदर एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और पोटेशियम की मात्रा बढ़ी रहती है सोडियम नहीं रहता है तो एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन द हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम तो आउटसाइड जो होता है इसे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के वजह से नेगेटिव हो जाता है और बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा क्योंकि सोडियम बाहर है तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की का डायग्राम है जैसे किसी ने इम्पल्स दिया तो ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा आ, तो आउटर चार्ज ये जो अभी मैंने बताया है वैसे होगा और जैसे ही अगर आपने मैसेज भेजा तो सोडियम आयन खुल जाएंगे अंदर पॉजिटिव यानी सोडियम अंदर आ जाएगा और बाहर

वन द स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ पोलराइज मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन बिकम फ्री परमिबल टू द सोडियम एंड द लीड टू द रैपिड इन्फ्लैक्स ऑफ सोडियम सोडियम जल्दी 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 अंदर जाएगा फॉलेड वाइड रिवर्सिबल ऑफ पोलरिटी बिकॉज चेंज हो जाएगा अंदर पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू द सोडियम और बाहर नेगेटिव हो जाएगा निगेटिव चार्ज एंड इनर साइड बिकम पॉजिटिव चार्ज एंडेशन डीपोलराइजेशन का मतलब वहां पर कुछ काम हुआ है है ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल ठीक है ये लिव रहता है ज्यादा देर तक नहीं रहेगा नाउ द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बारे में बात करें तो नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरोन टू द अनदर न्यूरोन थ्रू द जंक्शन इज कॉल्ड साइनअप्स सैनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरोनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब क्या दो न्यूरॉन के बीच में जो पोटेंशियल गैप होता है दैट कॉल्ड क्लेफ्ट तो फंक्शनल गैप प्रेजेंट बिटवीन द प्री सानेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरोन इज कॉल द सनेप्टिक क्लेफ्ट दो टाइप का होता है इलेक्ट्रिकल और कैमिकल इलेक्ट्रिकल बहुत फास्ट होता है कैमिकल बहुत स्लो होता है बिकॉज दे हैवे कैमिकल ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर यहाँ पे पोस्ट खासकर यहाँ पे आपको देखना है कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सैनेप्टिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये आप देख पा रहे हैं दे आर कॉल्ड सैनेप्टिक वेसिकल जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं है ना फ्यूज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हो जाएगा यहाँ पे रिसेप्टर होता है जो पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है उसे रिसीव करेगा

वैन द फ्यूज विद्लाज्माजरो इन सैनेप्टिक लेफ्ट और न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड होगा स्पेसिफिक रिसेप्टर पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित है आयन चैनल अलाउ द एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट अल इन दोस्ट सैनेप्टिक न्यूरोन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम इन डिटेल कार्ड ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइन ब्रेन टू राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर मतलब फोर ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं cerebrum thalamus और hypothalamus. Cerebrum का दो हिस्सा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर सेरेब्रम अस्सी प्रतिशत हिस्सा ब्रेन का होता है सबसे बड़ा हिस्सा होता है दोनों लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जो ज्वाइन करता है वो कॉर्पस कैलोसम होता है आया हुआ क्वेश्चन है मिड ब्रेन कॉर्पा क्वाडिजिमना और हाइम ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं सेरे बेलम नॉट अ सेरेब्रम सेरे बेलम और पोन्स एंड मेडुला ब्रेन के बारे में और ज़्यादा बात कर लेते हैं तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का इट कॉन्टेट इट्स कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी बैलेंस द बॉडी फंक्शनल वाइटल वाइटल इंफॉर्मेश्स लंग्स हार्ट किडनी थर्मोरेगुलेशन हंगर एंड थर्स्ट एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन ही करता है जैसे हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है ह्यूमन बिहेवियर प्रोसेसिंग ऑफ विजन हियरिंग मेमोरी इंटेलिजेंस इमोशन थाट सब करेगा तो ये ब्रेन का सजाइटल सेक्शन है ऐसे काट के देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सेरेब्रम हेमोस्फियर नज़र आएगा दिस इज अ कॉर्पस कैलोसम आधा हिस्सा फिर ब्रेन का जोड़ देंगे यहाँ से तो ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल स्कल से कवर होता है एंड दैट्स दे हैव द क्रेनियल मैनज क्रीनियल मैनेजेस में देखेंगे तो आउटर लेयर को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं मिडिल लेयर को आर्किनॉइड और सबसे अंदर जो होता है पाया मैटर होता है तो ये लेयर है आप देख पा रहे हैं दिस इज अ लेयर एक्चुअली और फिर यहाँ पे ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड होता है तो ये जो आर्किनॉइड है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो प्लेक्सेस होता है दे आर कॉल्ड आर्किनॉइड प्लेक्सेस आर्किनॉइड प्लेक्सेस के अंदर सी एस एफ CSF बनता है अंदर सी एस एव सर्कुलेट इन साइड द ब्रेन और जिससे ब्रेन में बायसी प्रोवाइड होता है और ब्रेन हल्का महसूस होता है क्योंकि ये बहुत भारी है एक ग्रूव देख पा रहे हैं दे आर कॉलकाई और गायरी जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरोन और ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं न्यूरोन एंड ब्लड वेसल लगे रहते हैं राइट तो ब्रेन कैन बी डिडेड थ्री पार्ट द फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन में सेरेब्रम थैलमस एंड हाइपो सेरेब्रम के बारे में अगर बात करें तो सेरेब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड दिव क्लिफ्ट डिवाइडेड द सेरेब्रम इन लॉन्गीट्यूडनल लॉन्गिट्यूनल इंटू द हाफ वैन वैन द लेफ्ट सेरेब्रम हेमस्फियर एंड राइट सेरेब्रम हेमस्फियर विद जॉइंट विद द कॉर्पस कैलिसम कॉर्पस कैलेसम बहुत ही यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कहीं मिलता नहीं है यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस दे आर कॉल्ड व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर एंड देर इज अकोमोडेशन ऑफ न्यूरॉन Uh, तो न्यूरोन कैन कंसेंट्रेटेड ओवर हियर एंड दे दे इम्पार्ट द डिफरेंट कलर सेटेक्स मेनली मोटर एरिया सेंसरी एरिया एंड एसोसिएटेड एरिया एसोसिएटेड एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटर सेंसरी एसोसिएशन मैमरी एंड कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन में जा, जाना जाता है राइट right.

क्रीनियल नर्व सेरेब्रल एक्वाडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन डॉर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द फोर राउंडिंग दे आर कॉल्ड कॉर्पा क्वाडिजिमना वेंटिकल्स जो कैविटी होती है ब्रेन के अंदर दे आर कॉल्ड वेंटिकल्स और uh, दो लेटरल वेंटिकल्स होते हैं इधर वाला आप देख पा रहे हैं ये लेट्रल वेंटिकल है लेट्रल वेंटिकल है थर्ड वेंटिकल फोर्थ वेंटिकल और इसी से पूरा सी एस एफ घूमता है आर्किनॉड प्लेक्सेस के बारे में मैंने बताया था अभी सी एस एफ जनरेट होता है सी एस एफ न्यूट्रेशन करता है पूरे बॉडी को न्यूट्रे ब्रेन के हर पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है नाउ हाइम ब्रेन पोन्स मेडोला एंड सेरेबेलम मेडोला ऑफ लेंगेडा यू नो वेरी वेल दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वॉमिटिंग सेंटर सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं मेडोला हैविंग द कंट्रोल द रेस्पिरेशन कार्डियो वैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन ना वी हैव अ ईयर नाव वी हैव अ ईयर तो ईयर हैविंग द थ्री पार्ट द एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर एंड इनर ईयर एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है हमारा पिन्ना आता है और ये दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है मिडिल ईयर में मेनली हमारा मेलियस इनकस और स्टेप्स आता है और इनर ईयर में कॉकलिया पूजा जाता है ईयर का मेन फंक्शन है हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी और ईयर दो पार्ट तीन पार्ट होता है जैसे मैंने बताया है पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मेम्ब्रेन मिडिल ईयर में मैलस इनका जो स्टेप और स्टेशन ट्यूब होता है जो मिडिल ईयर से कनेक्ट करता है फैरिंग्स को इनर ईयर में द लेवरिथ कॉकलिया ऑर्गेन ऑफ ऑक्टाई हेयर सेल वेस्टिकुलर एपरेटर सेमी सर्कुलर कैन ऑलिथ सेल्स जो मेनली बैलेंसिंग में मदद करते हैं एक्सटर्नल ईयर में देखें तो पिन्ना के बारे में अगर बात करें तो पिन्ना के बारे में अगर बात करें तो पिन्ना इज कलेक्टिंग द साउंड अगर पीछे से कोई बुलाए तो मुझे कान को पीछे नहीं करना पड़ेगा मेरा पिन्ना उसे कलेक्ट कर लेगा तो कलेक्टिंग द साउंड इन डायरेक्शन दिस इज पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा अंदर जाने नहीं देगा दिस इज अम्रेन दे है फीचर ऑफ द मैमल्स जितने भी मैमल्स है वही करेंगे कलेक्ट द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कहीं से भी करेगा एक्सटर्नल ऑडिटी कैनाल जो पिन्ना को टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से जोड़ता है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कान का पर्दा होता है जो बेसिकली स्किन से बना होता है म्यूकस मेम्बरेन से बना होता है आउटर में देखेंगे तो स्किन होता है अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग होता है बहुत बम ब्लास्ट होता है तो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन फट सकता है बट कोई भी इंसेक्ट यहीं तक जाएगा आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये बंद है रास्ता ही बंद है मिडिल ईयर में ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है कान का पर्दा है और ये मेलेस इनका स्टेप है तो जब भी साउंड आएगा तो इनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा और ये वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई कर देते हैं कोई आपके बारे में चुगली करेगा तो उसे एम्प्लीफाई करके बता देंगे कि हाँ तुम्हारे बारे में ही बात चल रही है यहाँ जो स्टेप है ये ओवल विंडो में खुलता है और यहाँ पे राउंड विंडो इसके नीचे ही होता है और यहाँ से एक स्टेशन ट्यूब निकलता है जो फेरिंग्स में आके खुलता है जब जब दवाई वाई डालते हो तो थोड़ा बहुत टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से आ जाता है क्योंकि स्किन है और दवाई की फीलिंग जो है आपको मुँह में नजर आती है टेस्ट मतलब उसका आता है इनर ईयर के बारे में बात करें तो इनर ईयर में वी से याद कर सकते हैं जैसे पी पहले होता था वी से याद कर सकते हैं वेस्टिबलाई मीडिया एंड टिम्फेनाई ऊपर के दोनों में जो फ्लूड होता है वो पेरी लिम्फ होता है और अंदर एंडोलिम्फ होता है दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन uh, है दे आर कॉल्ड वेसिलर मेम्ब्रेन और इस बेसिलर मेमब्रेन में, में प्रोजेक्टेड सेल्स हैं दे आर कॉल हेयर सेल्स एक टेक्टोरियल मान लीजिए ये बेसिलर मेम्बरेन है और यहाँ पे हेयर्स लगे हुए होते हैं दिस वन तो जैसे वाइब्रेशन आएगा तो ये टच होगा इस हेयर सेल पे तो जैसे ये हेयर सेल पे टच होगा जैसे ये हेयर सेल पे टच होगा तो हेयर सेल के ऊपर ऐसे स्टेरियोसिल होते हैं ऊपर के साइड में और वहां से इम्पल्स जनरेट हो जाएगा जैसे ये टच करेगा दे जनरेट अ इम्पल्स और ये इम्पल्स हमारे कान के जो कॉकुलियर नर्व है सीधा वो ब्रेन में लेके जाएगा और उस इम्पल्स को एनालाइज करेगा कि उसने क्या बोला है आई लव यू बोला है कि आई हेट यू बोला है ठीक है तो एनालाइज कर लेगा कॉकुलर डिवाइडेड टू द थ्री पार्ट द अपर मिडल एंड लोअर राइट सो बेसलार उसे सेपरेट करता है दिस इज ओवल विंडो एंड दिस इज अ राउंड विंडो और ऊपर पेरी होता है अंदर हमारे एंडोलिम्फ होता है वेस्टिबुलर इज मोर ओवर दे बैलेंसिंग द बॉडी जैसे आप कहीं जा रहे हैं और सो जाते हैं ऐसे है ना किसी के गर्दन पर रख के और उसने गर्दन खींचा तो अचानक से उठ जाते हैं तो ये एक क्रिस्टा होता है जो टच होते ही आप uh, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट uh, uh, हो जाती है कंसिस्टिंग द थ्री सब सर्कुलर का राइट एंगल टू ईच अदर कंसिस्ट ऑफ सेक्यूल एंड न्यूट्रिकल है ना बैलेंसिंग में मेनली मदद करता है तो हम सुनते कैसे हैं आइए इसको समझ लेते हैं एक्सटर्नल ईयर साउंड एक्सटर्नल ईयर साउंड रिसीव डायरेक्ट इन टू द ईयर ड्रम ईयर ड्रम में डायरेक्टली आता है ईयर ड्रम वाइब्रेट रेस्पॉन्स टू द साउंड और ये साउंड जो है मेलस इनकस स्टेप्स होते हुए राउंड विंडो तक पहुँचता है है uh, ना दे पास इन टू द फ्लूड ऑफ दे जनरेट अ वेव क्योंकि पानी है तो उसमें साउंड से वेव जनरेट होगा एंटेक्टोरियल मेम्ब्रेन टच होगा हेयर सेल पे वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया ऑडिटरी न ब्रेन की तरफ जाएगा जहाँ पे आप इम्पल्स को सुन लोगे है ना इम्पल्स इज एनालाइज साउंड इज रिकोगनाइज किया अरे तो डॉक्टर एस के सिंह की आवाज है ठीक है कि आवाज़ क्या है इम्पल्स को आप एनालाइज कर सकते हो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आई करेंगे करेंगे कि आई जो होता है स्पेरिकल शेप होता है और आई कंपोज़ ऑफ थ्री लेयर स्केलरा क्लोराइड एंड रेटिना स्केलरा जो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और आगे आके कॉर्निया और कंजक्टाइवा बनाता है हमारे आँख में एक और परत होती है उस परत को हटाएंगे तो कॉर्निया हटेगा फिर आपको आँख में वाइट वाइट नज़र आता है कंजक है कॉराइड जो है पीछे से आता है और आगे आके सिलेरी बॉडी और आयरिस बनाता है और रेटिना हमेशा पीछे ही रहता है आगे नहीं आ पाता है इसके अंदर रॉड सेल कौन सेल होता है आप आँख में देख पा रहे हैं तो ये वाइट वाइट है दिस इज कॉल्ड कंजक्ट और इसके ऊपर पूरा एक कवरिंग होता है दिस इज कॉल्ड कॉर्निया है ना ट्रांसपेरेंट होता है आप यहाँ पर लेयर बहुत बखूबी से देख पा रहे हैं ये रेटिना जो होता है ये अंदर वाला ही है देख पा रहे हैं रेटिना और ये आगे की तरफ नहीं आता है आगे की तरफ जो है ये वाला आता है हमारा जो कोरोइड है वो वाला आता है आगे की तरफ आके स्लेरी बॉडी बनाता है जो लेंस को होल्ड करके रखता है और स्क्लेरा आगे की तरफ आके दो चीज़ बनाता है कॉर्निया और कंजक बनाता है ये आँख में देख पा रहे हैं कि लेंस और ये लेंस और ये पूरा जो है विट्रस ह्यूमर है और ये यह यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर है एक्वस ह्यूमर है ठीक तो है तो ये डायग्राम है कॉर्निया uh, के बारे में अगर बात करें तो इंटीरियर पार्ट ऑफ आई इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट विच इज़ ए वैस्कुलर वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है ब्लड सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट देयर फोर दे कैन बी ईजिली ट्रांसप्लांट विदाउट ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन दे हेल्प इन द इनटेक ऑफ वाटर मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फियर सिलेरी बॉडी आगे की तरफ आता है जो लेंस को फिक्स करके रखेगा और आइरिस की वजह से कलरफुल uh, आँख होती है ब्लू ब्राउन ब्लैक राइट यहां आप देख पा रहे हैं दिस इज दिस इज लेंस दिस इज अ प्यूपिल प्यूपिल एक अपर्चर है प्यूपिल डायलेट हो जाएगा तो आपका लेंस का साइज बढ़ जाएगा आप अच्छे तरीके से देखोगे कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा छोटा हो जाएगा रेटिना इनर लेयर है आगे की तरफ कभी नहीं आता है इसके अंदर रॉड सेल और कोन सेल होते हैं कोन का मतलब होता है कलरफुल विजन यानी दिन में एक्टिव रहते हैं और रॉड सेल जो होते हैं रात में एक्टिव होते हैं रेटिना कंटेन द थ्री लेयर आउटसाइड फोटो रिसेप्टर सेल फिर बाईपोलर न्यूरोन गैंगलियन सेल्स गैंगलियन सेल्स राइट रॉड सेल कनेक्ट पर्पलिस रेड प्रोटीन कॉल पर्पल रोडॉप्सिन इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आता है कौन सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल विजन दे आर एक्टिव इन अम देव अफ फोटोरिसेप्टर रेड ग्रीन एंड ब्लू यहाँ पे देखेंगे तो फोबिया सेंट्रालिस में सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनता है देर ऑल्सो कॉल मैकुल और यहाँ पे जो है ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनता है क्वेश्चन आया है जहाँ से ऑप्टिक uh, नर्व्स निकलता है कैसे हम देखते हैं विजुअबल वेवलेंथ जैसे ही विजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट जैसे ही हमारे आंख पे पड़ती है uh, तो द फोटो रिसेप्टर ऑफ रेटिना विल बी एक्टिवेटेड एंड द एक्शन पोटेंशियल जनरेट इन फोटो रिसेप्टर्स एक्शन पोटेंशियल द द चेंज इन रोडोप्सिन रिसेप्टियल पिगमेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन रोड सेल एंड सेल फिर इम्पल्स ट्रांसमिटेड होता है बाइपोलर न्यूरॉन के थ्रू और गैंगलियन सेल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस नव वो विजुअल कॉटक्स में जाता है फिर तुम देख लो तो ओ आलिया भट्ट ऐसे देख रही है प्रेगनेंसी के बाद तो ये जो देखते हो जो ये देखते हो ये ऐसे ही देखते हो है ना न्यूरल इम्पर्स कैन बी एनालाइज और इमेज रिकोगनाइज बेस्ड ऑन द मैमरी मेमरी के बेस पर आप उसको एनालाइज़ करते हो कि आपने उस व्यक्ति को कभी देखा है या नहीं देखा है तो स्टार्ट विद द केमिकल्ट कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन देखिए केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि ये हार्मोन के द्वारा होता है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट कॉर्डिनेशन वाई द एंडोक्राइन सिस्टम शो द स्लो कॉर्डिनेशन नर्वस सिस्टम यूटिलाइज द न्यूरो एंड एंडोक्राइन सिस्टम यूटिलाइज द हॉर्मोन

उसका एक्शन टेस्टिस और ओवरी में देखा जाता है तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देअर सिक्रेशन डायरेक्टली इन टू द ब्लड एंड लिम्फ हॉर्मोन दे टेक बाय द स्पेसिफिक ऑर्गेन फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन एंड इनिशियट अ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक चेंजेस सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड सिस्टम इट रिसीव एंड सेंड अ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एम्पल्स Endocrine system is to receive and send the information to the form of a chemical called hormone. Uh, their response are very fast and this response is very slow. Nervous system ka fast hota hai. short duration ka hota hai. Endocrine long duration ka hota hai. So hormone were classically defined as a chemical which is produced by the endocrine gland and released in the blood and transport them into the distance part of the body. Hormone is also defined as it's a non-nutrient part. It's a nutrition which act as the intercellular messenger and produce the trace amount. The property of hormone, the hormone are secreted by the living glandular cells and some other are diffuse uh, tissue and cells. These are released directly into the blood and they are required for the small quantity. These are not provided energy and building blocker because they are not uh, providing the energy and they are highly specific. A highly specific so what is the function of endocrine exocrine endocrine they are ductless their secretion directly into the lymph or venous blood while the exocrine they have a duct and their secretion into the cavity so how the hormone can be action uh, hormone do not uh, their effect directly into the most of the reactions and they are usually uh, receptor by through the receptors so on the basis of they classified as an extracellular receptor or intracellular receptor Extracellular receptor; they have a protein, peptides, glycoprotein, amino acid derivative, uh, or except the thyroxin. This hormone has a large size, uh, large size, so they, they cannot cross the cell membrane. Intracellular steroid thyroxin; these are very small, tiny. They they are lipid soluble. They can cross the cell membrane. They act on the nucleus. So they classify the hormone on the basis of chemical nature: peptide, polypeptide, and protein hormone. इंसुलिन ग्लूकागन थाटोनिन प्रोटीन हार्मोन हाइपोथैलमिक हार्मोन, एटोरॉयड हार्मोन कॉटिसोल टेस्टेस्टोरॉन एस्ट्राडियोल प्रोजेस्ट्रॉन आइडोथक्सिन आइडोथक्सिन थायराइड हार्मोन टी थ्री एंड टी फोर सो हाउ कैन दे हार्मोन इज एक्ट लेट सपोज दिस इज एफ एस एच ये रिसेप्टर है हमारा तो ये रिसेप्टर पर आके बाइंड होगा फॉर्म द हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्पलेक्स रेस्पॉन्स जनरेट होगा दे जनरेटर जनरेट द सेकेंड मैसेजर इन दम ऑफ साइक्लिकल्शियम क्वेश्चन आया हुआ है स होगा और काम होगा तो हॉर्मोन विच इंट्रैक्ट द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, बट जनरेट अ सेकेंडरी मैसेजर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक ए एम पी हॉर्मोन बाइंड द रिसेप्टर इन फॉर्म ऑफ हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं का अपने मूवी देखा होगा कि राजा से कोई डायरेक्ट नहीं मिलेगा जाके लेटर देगा फिर राजा पढ़ेगा फिर उसको अनुमति मिलेगी ऐसे ही है कि अंदर ये घुस नहीं सकता है साइक्लिक ए एम से अपना इम्पल्स भेजेगा अपना सूचना भेजेगा कन्फर्मेशनल चेंजेस इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ द रिसेप्टर्स द साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ रिसेप्टर देन प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेजर साइक्लिक ए एम पी साइक्लिक कैल्शियम साइक्लिक एम पी एंड आई पी थ्री विच एक्टिवेट एन एग्जिस्टिंग इन साइन सिस्टम ऑफ द सेल्स एंड दे ऑपरेट द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल्स रेट ऑफ सेलोलर रेस्पिरेशन ये हॉर्मोन देखिए इतना छोटा होता है लिपिड सोलेबल होता है सेल मेम्रेन को क्रॉस कर चुका है सीधा ये न्यूक्लियस के पास जाके बाइंड करेगा और एम आर एन ए प्रोटीन वगैरह इससे बनेगा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें तो हाइपोथैलेमस विच इज कॉल्ड सुपर मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द मास्टर ग्लैंड विच इज पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन दे रेगुलेट द वाइड एस्पेक्टर ऑफ द बॉडी फंक्शन तो दे सिक्रिएट अ टू टाइप ऑफ हार्मोन वन इज रिलीजिंग हारमोन वन इज इन इन हार्मोन जब वो रिलीजिंग हार्मोन से करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी हारमोन से कुछ काम करवाएगा जब वो इनहिबिटरी हार्मोन से करेगा तो पिट्यूटरी हार्मोन को कहेगा कि तुम हार्मोन बनाना रोक दो और फिर पिट्यूट ग्लैंड हार्मोन बनाना रोक देगा जैसे कि गोनाडोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग है तो इससे पिट्यूटर ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और ग्लाडोटॉपिन की वजह से ग्लैंड ने एफ और एल प्रोड्यूस करना शुरू किया सोमैटोस्टेटिस हाइपोथेलमस से रिलीज होगा जिससे ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगा दे आर कॉल इनिबिटिंग हार्मोन सो हार्मोन रिचेज पिट्यूट्री ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द दिट्री

ग्रोथ हार्मोन लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हाई सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन संटेड ग्रोथ रिजल्ट इन डॉफिजम हाई सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रेन बिफोर एफिफिजियल क्लोजर इज गेगेंटिज्म इन अडल्ट आफ्टर एफिफिजियल क्लोजर एक्रोमेगेली एक्रोमेगेली हो सकता है ग्रोथ हार्मोन एज स्टुलेट दाइपो हाइपेटोसाइट्स एंड रिलीज ग्लूकोज इन टू द ब्लड एंड दिसरेस्पेक्ट टू द ग्रोथ हॉर्मोन इन इंसुलिन एंटागोनिस्ट एंड दैट कैन बी रिलेटेड टू द डायबिटिक इफेक्ट ए सी टी एच एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन ए सी टी एच कंट्रोल द स्ट्रक्चर फंक्शनिंग एड्रीनल कॉटिक्स स्पेशली द सिक्रेशन ऑफ ग्लूको कॉटिक वाइड फ्रॉम द एड्रनल कॉटिक्स हाइपोसिक्रेशन एडिसन थे होगा और हाइपोसिक्रेशन में कशिंग सिंड्रोम हो जाएगा प्रोलेक्टिंग के बारे में बात करें तो दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरिक ग्लैंड

टी थ्री बहुत ज्यादा एक्टिव होता है टी फोर से टी फोर सीग्रेशन इज कन्वर्टेडली टी थ्री इन अ पेरेफेरल टिशू लाइक लिवर सिंथेसिस ऑफ थायरायड हार्मोन रिक्वायर अयोडीन एंड हार्मोन आर रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टी एस एच रिलीज बाय द एंटीरिया पीटी ट्री वट इज ए फ फंशन ऑफ थायराइड हारमोन थायरक्सिन मे 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 मेटाबोलिजम ऑफ प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट हैंड दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिशू रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबोलिक रेट इन्हांस द हीट प्रोडक्शन कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है मेंटल हेल्थ इनहांस द सम एक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एडोलिन एंड नॉन एड्रोलिन वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है और इनडायरेक्टली इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को भी करता है इसकी कमी हो जाएगी तो हाइपोथरेडिज्म हो जाएगा हाइपोथरेडिज्म अगर बच्चों में होएगा तो क्रिटेनिज्म कहते हैं फेलियर टू थायरॉइड थैराइडिक्रेशन फ्रॉम इन्फेंसी इसका ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा और एडल्ट में होगा मिक्स एडिमा गल्स डिजीज हो जाएगा कॉफी अपीयरेंस एंड लैक ऑफ अल्टरनेस इंटेलिजेंट लो मेटाबॉलिक रेट ये सारा चीज हो जाएगा आप इसे फोटो भी देख सकते हैं हाइपरथडिज इज बेसिकली कैंसरस सिनेरियो में होता है द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑफ थायराइड हार्मोन इज इन अबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड हाइपोथराज हाइपरथायराज इज ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड एक्सोथैलमिक वाइटर एंड ग्रेव्स डिजीज थायराइड एनलार्जमेंट इज बाय द बल्जिंग ऑफ आई बॉल एंड द इन लार्ज थैराइड इज ओवर एक्टिव एंड सिक्रीट द पैसिव अमाउंट ऑफ थैराइड हॉर्मोन मोस्ट कॉमन इन फीमेल हाई मेटाबोलिक रेट रैपिड हार्ट रेट नर्वसनेस इरेटेबिलिटी ट्रामर हो जाएगा हाथ ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे रेसलेसनेस होगा हासीमैथोडिजीज ऑटो इम्यून डिजीज होता है अपने ही सेल के खिलाफ आ, काम करता है पैराथैराइड जब हम थैराइड के अंदर जाएंगे तो पैराथैराइड हमें नजर आएगा और ये फोर इन नंबर होते हैं बट कैन बी मोर ओवर एंड कॉन्सेप्ट दे आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड चीप सेल मेनली सिकेटिंग सेल्स दे सिकेट द पैरा थैराइड हॉर्मोन पी टी एच एंड कॉलेज हारमोन कहा जाता है एंड ऑक्जेंटिक सेल्स दे आर नॉन सिक्रेटिंग सेल्स दे एसटेन बाई द एसेटिक तो ये क्वेश्चन आता है पी पी टी एच का क्या काम होता है दे रेगुलेट द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड और ये क्या करता है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा कैसे बढ़ाएगा ये रिनल ट्यूब्यूस को कहेगा कि कैल्शियम को खींचो रीअब्जॉर्ब करो ये इंटेस्टीन को कहेगा कि तुम भी डाइट से कैल्शियम को खींचो और बोन से भी ये कैल्शियम को खींच लेता है तो बोन को बहुत वीक बना देगा ठीक है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट से और बोन बिल्कुल रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे वीक हो जाएंगे तो इट इज इजेंशियल टू मेंटेन द ऑप्टिमम कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बिकॉज कैल्शियम बिकॉज द कैल्शियम वन सेकेंड because the calcium because the calcium uh, because the calcium uh, because the calcium uh, is, is essential for the functioning functioning of uh, once again functioning of uh, functioning of the muscle cells heart nerves growth and bone teeth calcium is also essential for the blood clotting disorder agar or disorder, hypothyroidism uh, hypothyroidism is was hypocalcemia they decrease the अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द एक्सट्रा सेलुलर फ्लूड ड्यू टू द मसल रिलैक्स फेल टिटेनि भी हो सकता है हाइपर पैराथेजन के बाद में बात करें अगर तो पैराथेरा ट्यूमर सिक्रीट करेगा इससे ज़्यादा हॉर्मोन इंक्रीज द मोबलाइजेशन ऑफ बोन मिनरल्स इन टू द बर्न एंड सॉफ्टिंग द बोन्स इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड इन द प्लाज्मा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द किडनी बिकॉज इज द रीनल स्टोन एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसे हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है दे आर प्यर ग्लैंड लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी ईच एड्रेनल ग्लैंड टू पार्ट इंटरनल एड्रेनल ग्लैंड एक्सटर्नल एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल कॉटक्स एड्रेनल कॉटक्स डराइव फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द एम्बरियो एंड देर डिवाइडेड टू द थ्री लेयर जोना ग्लोमेरोलोसा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉटक्स जोना फेसिकोलोटा मिडिल लेयर ऑफ एड्रेनल कॉटेक्स और जोना रेटिकुलारिस नीचे वाला लेयर होता है आ, ये तीन टाइप के हॉर्मोन सिक्रिएट करता है मिनरलोकॉटिकवाइड ग्लूकोकॉटिकॉयड और सेक्स कॉटिक्वाइड मिनरलोकॉटिकवाइड ये जोना ग्लोमैरोलोसा सिक्रियट करता है और ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा हमारे बॉडी में अब एल्डेस्ट्रॉन रिलीज होगा और ये हमारे डी और अ, कलेक्टिंग डग पे काम करेगा जिससे सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में मदद करेगा ग्लूकोकॉटिक्वाइड

इमरजेंसी कहा जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है दिस हॉर्मोन इज प्रिपेयर ड्यूरिंग फ्लाइट फियर हॉर्मोन इंक्रीज द हार्ट रेट स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है कैथाकोलामीन स्टिमुलेट द्लूकोजन ब्रेक डाउन द गुकोज रिजल्टिंग इन इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एड्रेनल एड्रेनल मेडोलासेंट of adrenal gland. और ये पच्चीस प्रतिशत बनाएगा ग्लूकोकॉटिकवाइडिक्लानाइन पार्ट एंडोक्राइन प्लांट हम यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे जिससे दो हार्मोन सिक्रिएट होंगे ग्लूकागन एंड इंसुलिन अल्फा सेल सिक्रीट द ग्लूकागन और बीटा सेल सिक्रीट द इंसुलिन अल्फा सेल ग्लूकागन सिक्रीट करेगा ये ग्लूकागन जो होता है हमारे लिवर सेल को स्टिमुलेट करेगा जिससे ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाएगा मतलब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा ग्लूकागन की वजह से इंसुलिन क्या करेगा उस इंसुलिन ब्लड जो ब्लड में ग्लूकोज है उसे पेरेफरल टिश्यू में कन्वर्ट कर पेफरल टिश्यू में ट्रांसफर कराएगा तो बीटा सेल से करेगा बीटा सेल प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन विच इज कॉल्ड इंसुलिन विच रेगुलेट द ग्लूकोज होमियोस्टेटिस ये क्या करेगा एडिपोज टिश्यू हेपेटोसाइट मसल सेल को करेगा कहेगा कि आप यूज़ करो ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है So when the level of glucose in the blood is increased the beta cell of pancreas get stimulated and release insulin uptake of glucose by the liver cell muscle cell or uptake of glucose by the respiration and fat synthesis in adipose tissue hyposecretion of insulin excess glucose in the body hyperglycemia prolonged hyperglycemia they lead to the diabetes mellitus loss of glucose from the urine formation of ketone body and excess thirst polydipsia polypepsia is a characteristic feature now pineal gland <laughs> It is also called epiphysis located on the dorsal side of the poor brain. Their stock like structure is called pineal stalk and this gland is called third eye. Uh, they secrete the melatonin which is regulate the 24-hour uh, rhythm of our body uh, evening and uh, throughout the night and drop down into noon. They maintain the sleep-wake cycle and maintain the metabolic body temperature, pigmentation of skin, menstrual cycle, defense capability of skin. Melatonin form the डिलीप यू बॉडी एन ह्यूमन बाई अपोजिंग द एक्शन एल एच एन एफ एस एच था के बारे में बात करें तो हार्ट के पास आप देख पा रहे हैं लोकेशन थाइमस है इसे थॉन्स ऑफ ह्यूमिनिटी कहा जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम यहीं से काम करता है टी सेल बी सेल यहीं से निर्मित होता है दे कंसिडर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वेद द डेवलपमेंट ऑफ मेच्येशन ऑफ टी लिम्फोसाइड्स टीलिम्फोसाइड इवाल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थाइमोसिन से क्रिएट करता है जिससे बी लिफोसाइड एंटीबॉडीज वगैरह बनता है थाइमस इज कवर बाय आउटसाइड द कॉटक्स आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला होता है हैसलिक्यूज कभी कभी क्वेश्चन आते है इसी से रिलेटेड रहता है टेस्टिस आप ट्वेल्थ क्लास में मैंने पढ़ाई पढ़ाए ही है इट इज प्रेजेंट एक्टल सेक दे टेस्टिस में देखेंगे तो ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंटरचर्स और लेडिक सेल्स द दे दीड द टेस्ट स्ट्रॉन विच इज प्रोवाइडेड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड एसमोटोजीनिया के लिए एसमामोटोगिया के लिए जाने जाते हैं ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टॉन सिक्रिएट करता है एस्ट्रोजन सिंथिसाइज सिक्रिएशन ऑफ ग्रो ग्रोइंग फॉलिकल प्रोजेस्टॉन आफ्टर ओबुलेशन कॉर्पोसलीटम सिक्रिएट द प्रोजस्टोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी और ये सारा काम होता है हॉर्मोन ऑफ हार्ट एट्रियल वॉल्व ऑफ हार्ट सिक्रिएटेड द पेप्टाइड हॉर्मोन कॉल एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर दे डिक्रीज द ब्लड प्रेशर इंक्रीज ब्लड प्रेशर ए एन एफ रिलीज होगा और बी पी को मतलब ब्लड वैसे को डायलेट करेगा बी पी कम कम हो जाएगा किडनी से अराथ्रोपाइटिन सिक्रीट होता है जो कि हार्मोन मतलब आरबीसी बनाएगा और जीआईटी से गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड दे सिक्रीट दे एस्टमुलेट द एससीएल एंड पेप्सिनोजन सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पोर्शन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पोर्शन और आ, आ, दे 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 स्टमलेट द वाटर एंड बाई कार्बोनेट आन सी सी के दे एक्ट ऑन द पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लेडर ये पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लेडर से करेगा GIP inhibit the gastric secretion and mortality. That's all. Thank you so much.